धमाकेदार प्राइम मूवीज देखने के लिए एनएच प्राइम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। झूठी तारीफ कर सबको बता ले, ये सारा जमाना मत वाला है छोटे का। ये आ गया तुम्हारा आनंद महल। आनंद महल इतना सड़ा हुआ? बाजी है बंबई है बंबई, इतने हर चीज उल्टी होती है। झुपड़पट्टी का नाम होता है सुंदर नगर, ते समुद्र के किनारे बसी चाल का नाम होता है तरिया महल। तुसी ते नया हो ना, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। धीरे धीरे नहीं, मैं हर चीज झड़ से समझ जाता हूँ लड्डू सिंह जी। मैं समझ गया हूँ कि मेरा ये जो दोस्त है ना, इसने अपनी औकात के हिसाब से जगह चुन ली है। राज मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यार, तू कब आया यार? अरे बस मोहन यार, हम भी आ गए आपके सपनों की नगरी में अपनी किस्मत आजमाने के लिए। ये किताब पकड़वा। क्यों क्यों क्यों? तो सामान निकालना है ना, इधर से भी निकाल ऊपर से भी निकाल। ओ अच्छा, मास्टर आदमी है यार। हाँ लड्डू सिंह जी, कितने पैसे हो गए आपके? 62 रुपए 75 पैसे। 62 रुपए, 500 रुपए का छुट्टा आपके पास? भाई जी, सवेरे सवेरे साढ़े को छुट्टा कितना आएगा? ए मोहन, एक काम करना, इनको 65 रुपए दे देना, 35 मुझको दे देना, बाद में हम लोग हिसाब करेंगे। ओके, आते ही शुरू हो गया। लो जी पैसे निकालो जेब में से। और सिर्फ 100 निकालना बस। ओ मेरा यार है राज, 100। थैंक यू जी। ओए बम्बैया, अपने आप ही टिप ले ली, दरवाजा खोल के घर में आ गए। ओहो, बड़ा घटिया घर। ओ यार मोहन यार, बहुत कमाल का घर बनाया तूने यार। ये टेलीविजन, टेलीफोन, वो फ्रिज, ग्लास, सॉसर, वो बस यही अपना गरीब खाना है यार। खामोश यार, ऐसे आशा जैसे घर को गरीब खाना कह रहा है तू। अभी झूतारा में रहता है तू, तेरे सामने झू का समुंदर है, ऊपर आसमान के तारे, बगल में फिल्मी सितारे, मतलब कि राइट में अमिताभ बच्चन, लेफ्ट में शत्रुघ्न सिन्हा, आगे धर्मेंद्र, पीछे जितेंद्र। और कोई मजाक की बात? मजाक है यार कोई? इस एंगल से तो अपने घर के बारे में कभी सोचा ही नहीं यार। ले ऐसी बात पे लौकी पकड़ ले। अरे मैं तो बोलता हूँ कि मोहन, ऐसी खूबसूरत जगह के ऊपर चटाई बिछा के भी सोने मिल जाए ना मुझे, तो भी मैं अपने आप को नसीब वाला समझूंगा। हेलो, चटाई क्यों भाई? किस लिए चटाई, जब घर पे बिस्तर है, तकिया, तो व्हाई क्राई फॉर चटाई? तू तो इमोशनल हो गया। ठीक है, अगर तू चाहता है कि मैं बिस्तर पे सोऊं और तू चटाई पर सोए तो ये तेरी मर्जी है, लेकिन एक बात पक्की है, मैं तुझे 500 रुपए किराया जरूर दूंगा। 500 रुपए? अरे यार फिर हर्ट हो गया तू। तू बात बात पे हर्ट क्यों जाता है भाई? हाँ मैं जानता हूँ कि तू मेहमानों को भगवान की तरह समझता है, और अगर तू चाहता है कि मैं मेहमान की तरह रहूं तो ठीक है, मैं मेहमान की तरह रहूंगा। हाथ जोड़ता हूँ भाई, गलती होगी, आगे से किराए की बात नहीं करूंगा। चाय बना दे। मास्टर आदमी है तू। और जल्दी बनाना, फिर चल के तेरा ऑफिस भी तो देखना है मुझे। चाहता तो खुल गया। राज, ये है हमारी कर्म भूमि। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अपना ऑफिस है कहाँ? ऑफिस? गुड क्वेश्चन। ये रहा मेरा ऑफिस। कुर्सी, टेबल, टाइपराइटर, किताब, छतरी, एक और कुर्सी, ऑफिस। ये ऑफिस है? यार मोहन, तू तो ग्रेट आदमी है यार। मैं तो तुझे अच्छा खासा बेवकूफ समझता था। तू तो बहुत इंटेलिजेंट निकला। ये कंसेप्ट किसका है? मेरा। हट। मगर बड़ा चालू आदमी है यार, मतलब कि मैं तुझे बेवकूफ समझ रहा हूँ और तूने मुझे बेवकूफ बना दिया। अरे गजब का कंसेप्ट है यार। अच्छा, ऐसा ऑफिस देखा ही नहीं मैंने पहले कभी। ना रिसेप्शन का चक्कर, ना प्यून का लफड़ा। यानी कि क्लाइंट वहां से ऑटो रिक्शा से उतरेगा और सीधा वकील से मिलेगा, बीच में कोई रुकावट ही नहीं। अरे गजब का। बगल तू देख लेना मोहन, कुछ ही दिनों में ये जो कंसेप्ट है ना, ये सारी दुनिया फॉलो करेगी, और दुनिया के बड़े बड़े लोग एक दिन तुझे इस छतरी के नीचे मिलेंगे। बैठ ना। थैंक यू यार। अरे वाने वाने, इधर बैठ, इधर बैठ, मेरे बगल में, मेरे बगल में बैठ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू माय ओन ऑफिस यार। ले मैं बैठ गया। मोहन, बोल, इसे क्या कहते हैं? दोस्ती। दोस्ती नहीं बेवकूफ, इसे कहते हैं राज एंड मोहन एसोसिएट्स। क्या बात है, ये लोग इतना तेज तेज क्यों भाग रहे हैं? आज तेजपाल साहब का केस शुरू होने वाला है, इसलिए तेज तेज भाग रहे हैं। ये तेजपाल साहब कौन है? शहर के मशहूर बैरिस्टर, बहुत ही तेज आदमी है, आज कोर्ट में आर्गुमेंट करने वाले हैं। चल, वी विल टेक सम लेसन फ्रॉम हिम, कुछ सीखने को मिलेगा। अब इतना बुरा वक्त आ गया कि दूसरों से सीखना पड़ेगा। चल तू बोलता तो चल के देख लेते, आजा चल। अरे रुक तो सही, ऑफिस तो बंद कर लूं। बंद हो गया, चल चल चल। योर ऑनर, हर सबूत, हर गवाह यह साबित कर चुका है कि एंथोनी ब्रूटो का खून इस मासूम दिखने वाले विनय प्रभ ने ही किया है। इस शख्स की उम्र 19 साल है, सिर्फ 19 साल, और जो शख्स 19 साल की उम्र में खून करने जितना खतरनाक हौसला रखता हो, वो आगे चलकर क्या नहीं कर सकता। यार जिस तरह से इस पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इस मासूम लड़के के खिलाफ जीरा किया, इस चमन को तो कोई बचा ही नहीं सकता। भैया जिसे कोई नहीं बचा सकता ना, उसे सिर्फ तेजपाल बचा सकता है। कोर्ट में हम लोग। योर ऑनर,
प्रोसिक्यूशन ने मुलजिम के बारे में बिल्कुल सही कहा, इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, सजाए मौत या उम्र कैद। लेकिन इससे पहले कि आप अपना फैसला सुनाएं, मैं इस 19 साल के मासूम कातिल के बारे में अदालत को कुछ बताना चाहता हूं। योर लॉर्डशिप, विनय परब ने 7 साल की उम्र में नेहरू चाइल्ड गोल्ड मेडल जीता, 12 साल की उम्र में इंटर स्टेट डिबेट कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्राइज हासिल किया, 15 साल की उम्र में SSC में फर्स्ट क्लास फर्स्ट में पास हुआ और 17 साल की उम्र में हायर सेकेंडरी में मैथ्स में पूरे स्टेट्स में सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए। और जिस एंथनी ब्रेटो का खून हुआ है, 12 साल की उम्र में उस पर चोरी का पहला इल्जाम लगा था, 14 साल की उम्र में उसने मिनर्वा थिएटर के बाहर टिकट्स ब्लैक करना शुरू कर दिया था, 20 साल की उम्र में उसने पहला डाका डाला और 27 साल की उम्र तक उस पर कत्ल के 4 इल्जाम लग चुके थे। और अगर ये खून ना हुआ होता तो आज एक बहुत बड़ा गैंगस्टर होता, ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहा होता और देश के दुश्मनों के साथ मिलकर शायद गद्दारी भी कर सकता था। लेकिन इस ना समझ की वजह से देश ने एक होनहार गुंडा खो दिया। योर ऑनर, योर लॉर्डशिप, इस 19 साल के मासूम को मौत की सजा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि ये जीकर क्या करेगा, 5-6 गोल्ड मेडल और जीत लेगा, पढ़ लिखकर इंजीनियर डॉक्टर या साइंटिस्ट बन जाएगा और इन सबको हमारे देश की क्या जरूरत है। योर लॉर्डशिप, पर एक बार जिन हालात में खून हुआ उन हालात में अपने आप को रखकर देखिए, एंथनी ब्रेटो इसके घर वालों को सताता था, इसकी बहन को छेड़ता था, इसने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। एक दिन एंथनी ब्रेटो इसके घर पहुंचा, इसकी बहन को अकेला पाकर उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की, इत्तेफाकन उस वक्त एक घर पहुंचा, इसने वही किया जो इस दुनिया का कोई भी छोटा या बड़ा, ताकतवर या कमजोर इंसान अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए करता, जो आप करते, जो मैं करता, जो अदालत में बैठा हर भाई करता। इसने एंथनी ब्रेटो का खून कर दिया। योर ऑनर, इज ट्रू बोलिया, माइंड ब्लोइंग। तेजपाल साहब, एक नजर इधर सर प्लीज। यार वो ये तेजपाल बड़ा कमाल का बंदा है यार। अरे भाई, तभी तो एक हियरिंग के लाख रुपए लेता है। क्या बात करता है। किसी भी केस को स्टडी करना एक अच्छे वकील का फर्ज होता है, एंड दैट्स माय होमवर्क। इसके बगल में हैंडसम टाइप का लड़का कौन है? वो इसका दामाद है आदर्श, इसके ऑफिस में काम करता था, बेटी से प्यार हो गया तो शादी कर ली तो बगल की पोजीशन हासिल कर ली और आज सब कुछ है इसके पास। यार ये तो ज्यादा बड़ा वकील हो गया यार। वो कैसे भाई? अरे सीधी बात है, देख, इसने जिंदगी भर तकलीफें उठा उठा कर लाख रुपए हियरिंग के लेकर इतने पैसे कमाए, इसने इसी बेटी से एक बार हाँ करवा दी और करोड़ रुपए अंदर कर लिए, हो गया ना बड़ा काबिल आदमी। यार आई हैव नथिंग मोर टू से, थैंक यू वेरी मच। अच्छा तो सारी बातें छोड़ दे, इतना बता कि तेजपाल साहब की कोई दूसरी बेटी भी है? है ना, दो बेटियां हैं। और उसकी शादी हो गई? नहीं, पर तू क्यों पूछ रहा है? नहीं, उसकी दूसरी बेटी के लिए मेरे पास एक और वकील दामाद है। कौन है? मैं। ये कौन है? बहुत बड़ा आदमी है, तू नहीं समझेगा। ओ, मैं मतलब तू है, पर तू उसे बिना देखे शादी कर लेगा? यार तू बड़ा बेवकूफ आदमी है, ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि अमीर आदमी की बेटी है तो खूबसूरत होगी। राज, एक बात है यार, तू बहुत ही मास्टर आदमी है तू। हाय, यस मैम, this one please. This one? Yeah, sure. Thank you. You're welcome. अरे अरे, क्या कर रही हैं आप? देखिए ये चश्मा भले कितना खूबसूरत क्यों ना हो, आप इसे पहनकर देखिए, ये ज़्यादा सूट करेगा। प्लीज ट्राई कीजिए, प्लीज डोंट माइंड, प्लीज। ओके, ब्यूटीफुल। ओह माय गॉड, दिस इज ब्यूटीफुल। थैंक यू। एक बात कहूँ, अगर गुरुदत्त जी जिंदा होते ना जी, तो आपको लेकर दोबारा चौधरी का चांद बनाते। पैक कर दीजिए। हाउ स्वीट। अरे, क्या कर रही है? देखिए, माफी चाहता हूँ, ये कपड़ा कितना ही अच्छा क्यों ना हो, आप ये पहन कर देखिए। अरे दैट्स ब्यूटीफुल। या आप ट्राई कीजिए ना। एक बात बताऊं मैं आपको, अगर राज कपूर जी जिंदा होते ना, तो आपको लेकर दोबारा सत्यम शिवम सुंदरम बनाते जी। मेरा मतलब है कि इन कपड़ों के साथ। आप ट्राई कीजिए ना प्लीज। ओके थैंक्स। पैक कर दीजिएगा ये। अरे अरे, क्या कर रही हैं आप? कमाल जी आपको देख लेते तो कितना नाराज हो जाते मालूम है? कमाल कौन? अमरोही जी, पाकिजा फिल्म बनाई थी जिन्होंने। रियली? क्यों? आपको देखकर वो अपने हीरो को डायलॉग देते कि तुम्हारे पांव बहुत ही खूबसूरत है, इन्हें जमीन पर नहीं
इन सैंडल्स में रखो और भी खूबसूरत नजर आएंगे। यहाँ देखिए कितने खूबसूरत। कमाल की बात है, आपने जो कुछ भी बेचने की कोशिश की मैंने सब कुछ खरीद लिया। You're a good salesman. वैसे मैं पेशे से वकील हूँ। Really? क्या बात है? राज मल्होत्रा, BLLB. Very nice. वैसे मैं अपने लिए nice to meet you. मैं अपने लिए कुछ सामान खरीदने के लिए आया था। आपको गलत सामान खरीदता हुआ नहीं देख सका। But I'm really sorry. मैंने आपको सेल्समैन समझ लिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरी शक्ल ही ऐसी है। जी हाँ, मैं क्या कोई भी धोखा खा सकता है? अच्छा, तो आप मान रहे हैं कि मेरी शक्ल ऐसी है? Nice to meet you. Okay, nice to meet you. Okay. हाँ, आप तो जा रही है, मगर मैं आपकी जिंदगी में बुढ़ापे की तरह आऊंगा, जो एक बार आता है और उसके बाद आता ही जाता है। चाहिए खास खास पर हो वो एमए पास पास, लाखों में एक हसीना हो, हर वक्त रहे मेरे आस पास। उसका स्टैंडर्ड भी हाई चाहिए, मुझको ऐसी हाई फाई एक लुगाई चाहिए, मुझको ऐसी हाई फाई एक लुगाई चाहिए। गोल गोल चेहरा हो, आंखें बिलारी, अलमिया भेज गई रूप की तिजारी। सपने में तू कुछ भी देख ले, लेकिन हकीकत में तेजपाल की बेटी से तेरी शादी हो ही नहीं सकती। अरे अगर उसकी बेटी से मेरी शादी नहीं हुई ना, तो मैं जान दे दूंगा, गाड़ी के नीचे आ जाऊंगा, उसके आ क्या जाऊंगा मैं, गाड़ी के नीचे आ गया राज। आज की तू क्या कर ले
लेटा यार। हर कर लेटा ने बैठ कर बैठा। भाई साहब ये सब कैसे हो गया? अरे कुछ नहीं, गाड़ी तेज आ रही थी ना, दो हड्डी टूटी होगी, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। चलिए चलिए जल्दी कीजिए। राज राज तू आगे बैठ, मैं पीछे बैठता हूँ। पीछे क्यों बैठ रहा है? मैं पिक्चर देखने जा रहा हूँ, कोई हॉस्पिटल जा रहा हूँ मैं। नहीं नहीं आप बैठ जाइए, भाई साहब बाद में बात करेंगे। चलिए चलिए चलिए, मैं अकेला जाऊंगा हॉस्पिटल। राज तू चिंता नहीं करना, बैठिए बैठ गई, दरवाजा बंद कर लीजिए। आपको दुख नहीं रहा? ठीक कर रहे हो क्या, तोड़ रहे हो? चोट यहाँ लगी है तो दर्द वहाँ कैसे होगा? सो सॉरी, ऊंचा करो। आस्ते 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 अरे घबराने की कोई बात नहीं, ये तो मामूली सी चोट है, मैं दो दिन की दवाई लिख देता हूँ, तुम एकदम ठीक हो जाओगे। हैं, तुम्हारा नाम बताओ फटाफट। राज मल्होत्रा। देखो मैंने दो दिन की दवा लिख दी है और इसे सुबह शाम। ये क्या, ये बैसाखी किस लिए? चोट मुझे लगी है, दर्द मुझे हो रहा है, पैसा भर रहा हूँ फिर भी पूछ रहे हैं बैसाखी किस लिए? कमाल है, चोट पाँव में लगी है, सर पे लगी है। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह। ओह माय गॉड, आप गए नहीं? आपको क्या हो गया? कोई बात नहीं, थोड़ा सा हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है, डॉक्टर साहब कहते हैं कि 15 दिन में ठीक हो जाऊंगा। 15 दिन? आप मेरी वजह से इन बैसाखियों पर। आपकी वजह से नहीं, मेरा ही कोई पाप आड़े आ गया होगा मेरे। नहीं, गाड़ी तो मैं तेज चला रही थी, आई एम सो सॉरी। आपको अपनी गलती का एहसास हुआ ना? जी। सजा भुगतना चाहती हैं आप? जी बिल्कुल, क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? प्लीज मुझे नीचे टैक्सी तक छोड़ दीजिए। क्या बात कर रहे हैं आप, मैं अपनी गाड़ी में आपको घर। आई। संभल के। हाँ एक मिनट रुक जाइए। हाँ, अरे अरे अरे, संभल के, रुक जाइए। नहीं नहीं, मैं संभाल लूंगी। आइए, यही ऊपर रहते हैं? हाँ जी। हाँ अच्छा, संभल के। कोई बात आइए। काफी तकलीफ उठानी पड़ी, यहाँ बैठ जाइए। बैठ जाइए। एक मिनट। हाँ, ये तस्वीर? जी ये मेरे गुरुजी की तस्वीर है। मगर मैंने तो आपको इनके साथ पहले कभी नहीं देखा। जी मैंने भी इनको कभी नहीं देखा, मगर ये हमारी वकालत की दुनिया के बेताज बादशाह हैं। इनके केस को स्टडी किए बगैर कोई आदमी वकील बन ही नहीं सकता। जी मगर आप इनको कैसे जानती? ये मेरे डैडी हैं। डैडी? पाँव कहाँ है? क्या कर रहे हैं? खड़े हो जाइए प्लीज। गुरु नहीं तो कम से कम गुरु पुत्री के ही पाँव छू लूं। देखिए आप ऐसा मत कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे, मैं आपको अपने डैडी से मिलाऊंगी। मैं इनसे मिल सकूंगा? ऑफ कोर्स। ही विल मीट मी? ऑफ कोर्स ही विल मीट यू। ओह मतलब हाउ स्वीट ऑफ यू। नहीं आप बैठिए ना। प्लीज आज नहीं, फिर कभी, मैं फिर आऊंगी, आप अपना ख्याल रखिएगा। आओ मैं तुम्हें बाहर रख छोड़ देता हूं। ओके मैं चली जाऊंगी। नहीं आर यू श्योर? ओके थैंक यू, बाय, सी यू, बाय बाय। अब देखिएगा जनाब, इस बैसाखी को पकड़ के उस बैसाखी के सहारे अगर मैंने आपको अपनी बैसाखी ना बना लिया तो मेरा नाम भी राज नहीं, नमस्ते सर। नमस्ते। वो आपसे थोड़ा काम था। क्या? वो नवजीवन सोसाइटी का केस आप ही लड़ रहे हैं ना? तो वो केस हमारे खिलाफ है सर, हम वहीं के टेनेंट्स हैं। तो मैं क्या करूं? देखिए वैसे भी कोर्ट में केस लड़ने की हमारी ताकत नहीं है और आपके सामने केस जीतना बहुत ही मुश्किल है। अगर इतनी अकल है तो केस क्यों लड़ रहे हो, घर क्यों नहीं खाली करते? देखिए हम घर खाली कर देंगे तो फिर हम जाएंगे कहाँ? मुझसे पूछ के मुंबई आए थे, अब आप लोग जा सकते हैं यहाँ से। देखिए देखिए ऐसा मत कीजिए वकील साहब, देखिए भगवान ने आपको तो इतना खुश दे रखा है, पैसों के खातिर हमारे सर से हमारी छत मत छीनिए, आप हाथ जोड़ते हैं हम आपके आगे। अगर हाथ जोड़ने हैं तो मंदिर जाके जोड़िए, पर अब तो भगवान भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। देखिए देखिए बात तो सुनिए। एक मिनट जीजा जी, ये लोग आपके पास इतनी आस लेकर आए हैं और आप इनकी मदद करने की जगह इन्हें धुतकार रहे? क्योंकि मैंने ऑपोजिट पार्टी का केस अपने हाथ में ले लिया। लेकिन गलत लोगों को जितवाना तो ना इंसाफी है। अच्छा तो तुम इन्हें इंसाफ दिला दो ना, मैं भी देखता हूँ आज की तारीख में सच्चाई के लिए सच्चाई के बलबूते पर कौन लड़ता है। जीजा जी
ऐसे एक आदमी को मैं जानती हूँ जो आज की तारीख में सच्चाई के बलबूते पर न सिर्फ लड़ सकता है जीत भी सकता है। Wish you all the best. आप बेफिक्र रहिए, आपका घर घर है, कोई चिड़िया का घोंसला नहीं जो अपने घर की सफाई में कोई निकाल कर फेंक दे। आप देखिए मैं इनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। वैसे मेरे सामने केस लड़ कौन रहा है? मेरे जीजा जी। आप अपनी कंपनी को मुझसे क्यों हरवा देना चाहती हैं? तो क्या हुआ, महाभारत में भी तो पांडव अपने भाइयों से लड़े थे। यू आर राइट, और वैसे भी महापुरुषों का यही कहना है कि सच्चाई के लिए कोई भी चीज छोड़ी जा सकती है, मगर किसी भी चीज के लिए सच्चाई को छोड़ा नहीं जा सकता। आई विल विन दिस केस। मिस्टर आनंद महात्रे, आप जिस जगह में रह रहे हैं वो जगह आपने कब और कितने में खरीदी? 1977 में, 25,000 रुपए पगड़ी पे। मतलब आपने खरीदी नहीं थी, उस जगह पे आप किराए पे रह रहे हैं। मिस्टर वचानी कौन है? वो तो बिल्डर हैं, मेरा मतलब मकान मालिक। और उन्होंने जगह खाली करने की आपको कितने पैसे की ऑफर दी? 2.5 लाख रुपए। मतलब 10 गुना ज्यादा जितने आपने पैसे दिए थे उसे। अब महंगाई भी तो बढ़ गई है सर। आखिर आप चाहते क्या मात्रे साहब? घर के बदले घर। अच्छा ये बताइए, आज आप कोर्ट कैसे पहुंचे? टैक्सी में। कोर्ट पहुंचने के बाद आपने टैक्सी का क्या किया? किराया दिया और छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? उस पर कब्जा क्यों नहीं किया? उसके मालिक क्यों नहीं बन गए? उसे घर क्यों नहीं ले गए? किराए के टैक्सी का मालिक कैसे बन सकता? एग्जैक्टली योर ऑनर, इस पॉइंट को नोट किया जाए। इन्होंने खुद कहा है कि किराए की चीज का मालिक नहीं बना जा सकता, फिर ये किराए के मकान के बदले में मकान कैसे मांग सकते हैं? मेरे क्लाइंट ने इन्हें 2.5 लाख रुपए का ऑफर दिया है, ये तो इनकी दरिया दिली है। मैं तो यही चाहूंगा कि मेरे क्लाइंट को इंसाफ मिले। दैट इज ऑल योर ऑनर। डिफेंस को कुछ कहना है? राज, गो, गुड लक। चल चल छुट्टी कर दे सबकी। डिफेंस कुछ कहेंगे? गेट अप, गेट अप, गेट अप। सर, मिस्टर मल्होत्रा, आर यू आर राइट? सर, मिस्टर मल्होत्रा, आई थिंक कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप कुछ दवा लीजिए। यस सर। कोर्ट इज एडजर्न फॉर लंच। फॉरगेट अबाउट इट। बैठ जाओ। राज, अगर अंदर है तो बाहर करना। सोचने की कोशिश करो। ओ यार, मैं पहली बार केस लड़ रहा था, मुझे तो डायरिया हो गया था। बोलिए ना, बोलिए ना। सोचने की कोशिश करो। हाँ, हम कर सकते हैं ना। हाँ, नहीं। राज, तेरे को हो क्या गया तेरे को? यार मेरे को हेडेक कर दिया तूने। क्या हो गया? आई कैन डू इट। हाँ तो मिस्टर वाचानी, अगर आपको मुंबई से दिल्ली जाना हो तो आप कैसे जाएंगे? प्लेन से। मान लीजिए आप प्लेन से जा रहे हैं, रास्ते में इमरजेंसी लैंडिंग हो जाती है, आपको जयपुर उतरकर यह कहा जाता है कि आप डबल पैसे ले लीजिए, मगर आप किसी ट्रेन, टैक्सी या बस का बंदोबस्त कर लीजिए तो आप जाएंगे? नहीं। क्यों? मैंने प्लेन का टिकट खरीदा है, मैं एसटी से क्यों जाऊं? एयरलाइंस को मेरे लिए दूसरे प्लेन की व्यवस्था कर देनी चाहिए। नहीं, आपके लिए दूसरे प्लेन की व्यवस्था क्यों होनी चाहिए? क्योंकि एयरलाइंस वाले पैसेंजर को बीच सफर में कैसे छोड़ सकते हैं? माय लॉर्ड, अगर मुंबई से दिल्ली के बीच के सफर में किसी को मझदार में छोड़ा नहीं जा सकता, तो जिंदगी के सफर में किसी को बीच मझदार में कैसे छोड़ा जा सकता है? मिस्टर वाचानी, आपने तो सिर्फ इन्हें चूने और ईंट से बनाया हुआ मकान दिया था, मगर उसे घर बनाया इन्होंने। अपनी भावनाओं से, अपने जज्बात से उसके साथ जुड़े हुए हैं। इनके बच्चों के पैदा होने की खुशियां, इनके बुजुर्गों के गुजरने का गम, इनकी बेटी की विदाई की यादें, इनके बेटे की शादी की शहनाइयों की गूंज। और सर, दुनिया की कितनी भी दौलत इन खुशियों के सामने रख दी जाए तो वो इनका मोल नहीं चुका सकती। तो फिर किसी भी एक इंसान को पैसे कमाने के लालच में किसी दूसरे इंसान का घर छीनने का हक कैसे दिया जा सकता है? और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप खुद भी ऐसा नहीं होने देंगे। एंड दैट्स ऑल योर ऑनर। राज, बड़ा बच्चा आदमी है यार। कोर्ट है यार, गले लग जा।
वकील साहब, आपने सिर्फ ये केस नहीं जीता है बल्कि हम सबके बच्चों के घरौंदों को उजड़ने से बचाया है। देखिए, हम इसकी फीस तो नहीं दे सकते, लेकिन ये थोड़े से पैसे हैं, हम सबकी दुआएं समझ के रख लीजिए। देखिए, दुआएं पैसों से नहीं तोली जाती, मगर फिर भी इस केस की जीत की यादगार के बतौर मैं ये 500 रुपए का नोट रख लेता हूँ। थैंक यू। जैसे आपकी मर्जी। मेरी पहली कमाई। सत्यमेव जयते, पर आप ये मुझे क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि जीत मेरी नहीं, तुम्हारे विश्वास की है। तुमने इस लड़ाई के लिए मुझे चुना। आगे जब भी मैं सच की लड़ाई लड़ूंगा तो तुम्हें याद करूंगा, और तुम इसी तरह से मुझे हिम्मत देती रहना। राज, राज, ये रजत है, फ्रीलांस रिपोर्टर। Hello. अपने प्रोग्राम में अच्छे अच्छे कोर्ट के फैसलों की धज्जियां उड़ा के रख देता है। और रजत, ये है राज, मेरा दोस्त, होशियारपुर का सबसे होशियार वकील। मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करो और इनका इंटरव्यू लो, क्योंकि आज इन्होंने बहुत बड़े वकील के खिलाफ मुकदमा जीता है। अपना बच्चा है यार। जी नहीं, ये मेरा दोस्त है। आज बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि किसी कोर्ट के फैसले के बाद मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं कह सका। थैंक यू सर, थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशंस। अपनी जीत के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? दरअसल ये केस मैंने कानूनी दांव पेच या किताबों में लिखी दफाओं से नहीं लड़ा, ये केस मैंने दिल से लड़ा है। और मैं ये मानता हूं कि जो भी चीज जिंदगी में दिल से की जाती है वो अक्सर कामयाब होती है। बेटा, एक हफ्ते के लिए दिल्ली क्या गया? मेरा ऑफिस केस हार गया, वो भी कल के एक छोकरे से। डैडी, यू शुड हैव बीन देयर। उसने जो आर्गुमेंट दी, आई मीन जज के सामने जो स्पीच दी, अपने जीजा जी भी कुछ नहीं कर सके। रियली? डैडी, वो आपका सच्चा शागिर्द है, एक लव्य की तरह आपकी तस्वीर की साधना करता है। He really loves you. उसे कल ऑफिस भेज देना, मैं इस एक लव्य से मिलना चाहता हूँ जिसने मेरे अर्जुन को हरा दिया। सर, मैं कमिन सर। या या, कमिन कमिन। थैंक यू वेरी मच सर। सर प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम सर, प्रणाम। ये क्या कर रहे हो भाई? सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, और मेरा यकीन मानिए कि नील आर्मस्ट्रांग को भी चांद पर पहला कदम रखते हुए इतनी खुशी नहीं हुई होगी जितनी खुशी आपके इस कैबिन में पैर रखते हुए मुझे हुई है। आई एम राज सर। राज? हाँ सोनम, तुम्हारे बारे में बता रही थी भाई, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। पैर छोड़ो भाई। जी सर, जी जी। ओके ओके ओके। बेटा कुछ खाओ, खाओ खाओ बेटा। नहीं सर, मेरा सोमवार है। सोमवार मतलब? आई एम फास्टिंग सर। तुम इन बातों में यकीन रखते हो? सर, मेरा यकीन सिर्फ देवी देवताओं को खुश करने के लिए नहीं है, बल्कि मेरा ऐसा मानना है कि हिंदुस्तान की आबादी के 50 करोड़ अमीर लोग अगर कभी कभी अपना एक वक्त का खाना छोड़ दें तो 25 करोड़ गरीब लोगों को दो वक्त का खाना मिल सकता है। इट्स ब्रिलियंट, इट्स ब्रिलियंट। सोनम तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी, बता रही कि तुम केस कमाल के लड़ते हो। सर, ये भी आप ही की तारीफ है सर। मेरी? जी सर। कैसे? सर, मैं लॉ कॉलेज के दिनों से ही आपके जीते हुए केसेस की रेफरेंसेस लेता आया हूँ, यहाँ तक कि आपके इस केस में भी मैंने आपके 82 के जीते हुए कालेकर और खन्ना का रेफरेंस लेकर ही ये केस जीता। मतलब तुमने मेरे केसेस के रेफरेंसेस को लेकर मेरे शिष्य को हरा दिया। सर, आखिर एक शिष्य में और एक भक्त में फर्क होता है सर, और मैं आपका भक्त हूँ। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ भाई। सर, यू डोंट हैव टू गिव मी ऑफर, यू जस्ट ऑर्डर मी सर। आई डोंट बिलीव दिस। वेट अ मिनट। देखो कहाँ गए? यहाँ से। मैं एक सोशल सर्विस सेंटर चलाता हूँ जहाँ पर गरीब लोगों को ऐसी एडवाइस देता हूँ। वहाँ पर तुम्हारे जैसे होनहार और दिल के साफ इंसान की जरूरत है। जी, जी। तो दो चार घंटे निकाल के वहां पर मदद करो। वहां तुम्हें पैसे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन दुआएं बहुत मिलेंगी। I will definitely do the needful, sir. Okay. और मैं शाम को ज्वाइन कर लेता हूँ। Okay. प्रणाम। Okay. अरे ओके, कोई है? अला, कोई भी आदमी ऐसे बड़ा आदमी नहीं बन जाता। गजब का शुरू आदमी है यार, फोकट में ही काम करा लेना चाहता है। और ससुरे ने एक बार भी नहीं पूछा कि बेटा तेरा उपवास है तो दूध पी ले, फ्रूट खा ले। अरे भाई, पानी पूरी लगाना भाई। जी सर। इससे पहले कि मैं बेहोश हो जाऊँ और मुझ पर पानी मारना पड़े, पानी पूरी खा लूँ तो बेटर है ना। ये लीजिए। अरे एक मिनट, गाड़ी रोको। अरे राज बेटा। अरे अंकल, आइए आइए, आप भी पानी पूरी खाइए। लेकिन तुम्हारा तो आज उपवास है ना? उपवास है नहीं अंकल, उपवास था, लेकिन मुझे मजबूरन तोड़ना पड़ा। तोड़ना पड़ा? हाँ, इस बेचारे गरीब की बीवी बीमार है, और मैंने जब इसे कहा कि तुम उससे मदद ले लो तो इसने नाक कर दी। बड़ा खुददार आदमी है, कहता कि मेरी बीवी मर जाएगी लेकिन मैं भीख नहीं लूंगा। मैंने इसे कहा कि अगर तुम खुददार हो तो मैं भी खुददार हूँ, आज मैं तुम्हारी सारी पारी पूड़िया खा जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी बीवी के इलाज के खर्चे का सारा पैसा मैं भर के दूंगा तुमको। तुम अकेले नहीं हो दोस्त, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मुझे भी लगाना भैया एक प्लेट। अरे और सुनो,
सब ठीक हो जाएगा, घबराना मत। 25-30 लगाना प्लेट है। 25-30? ऐसा ना हो कि इसकी बीवी ठीक हो जाए और हम बीमार पड़ जाए। ऐसा नहीं होगा सर, जिनकी नीयत साफ उनका पेट साफ। चीयर्स। हाँ चीयर्स। भाई कमाल का लड़का है राज, यकीन ही नहीं होता कि आजकल के जमाने में ऐसा आदर्शवादी लड़का भी हो सकता है। बहुत ही ईमानदार और नेक लड़का है। मैं सोच रहा हूँ कि किसी दिन इसको खाने पे बुलाया जाए। हाँ, that's great, let's do that. Okay. अरे हॉर्न मारो ना भाई, ये कौन चल रहा रास्ते के बीच में? Dad, I think that's Raj. हाँ राज, what a pleasant surprise. Hi, how are you? Hi, how are you? यहाँ कैसे भाई? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बस सर, मैं अपने क्लाइंट के पास आया हुआ था। अच्छा, हमारे मोहल्ले में भी क्लाइंट ढूंढ लिया? कौन से घर पे आए थे भाई? जी वो अपना सामने ग्रीन वाला है ना। अच्छा, आपने चतुर्वेदी साहब का घर? right, भाई। नहीं right. वो ग्रीन के बस पीछे ही जो है ना, वो लाल वाला। अच्छा, वो लाल, वो तो किसी खुराना साहब का घर है, मगर वो तो NRI है, यहाँ कभी कभी आते हैं। तभी तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। मतलब उन्होंने अपने केसेस हैंडल करने के लिए मुझे सुकून वाली जगह दे रखी की मैं इत्मीनान से उनके केसेस हैंडल करता हूँ। अनबिलीवेबल, उसके तो बिल्कुल बाजू वाला बंगला हमारा है। ओह वाओ, अब आप हमेशा हमारे नजरों के सामने रहेंगे। यकीन मानिए, मैं भी यही चाह रहा था। वैसे भी कल इनसे मिलने के बाद मैं भगवान से दुआ कर रहा था कि पता नहीं भगवान इस महापुरुष के दर्शन दोबारा कब कराएंगे। महापुरुष मैं हूँ। और उन्होंने सुन ली मेरी, आज मुलाकात हो गई। आजकल भगवान बहुत सुन रहा है मेरी, जो मांगता पट से मिल जाता है। कहिए आपके लिए कुछ मांगू? बेटे भगवान का दिया सब कुछ है, बस इसके लिए एक अच्छा सा दूल्हा मांगू। सर समझिए, इनको दूल्हा मिल गया। रियली? या तो मैं तुम्हें खुराना साहब के घर तक छोड़ दूं। खुराना? अरे खुराना, जिसके घर पर तुम जा रहे हो। ओ, खुराना ओ, जी सर मैं चला जाऊंगा, मैं पद यात्रा करते करते कुछ सोचते सोचते चला जाऊंगा। यू प्लीज कैरी ऑन सर। सर शाम की चाय हो जाए। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बाय बाय बाय, सी यू टुनाइट। ओके, लेट्स गो, लेट्स गो। बाय बाय बाय। कम ऑन, कम ऑन, हरी अप। बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू। गुड बाय, गुड बाय। ए, रुको रुको रुको, शट अप। कोई गेट पर क्यों नहीं है? सब लोग अंदर क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, कहाँ रहते हो तुम लोग? हम तो पीछे रहते हैं। पीछे? तुम्हें पगार पीछे रहने की मिलती है आगे रहने की? खुराना सबको बोल के छुट्टी करवा दूंगा सबकी। सुबह से फोन कर रहे हैं, कोई फोन क्यों उठा रहा आप लोग? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बंगला खोलो, मैं उनका वकील हूँ। और सुनो, कोई नौकर है कि नहीं अंदर? हाँ है। उसे कहो कि मेरे नहाने वाने का बंदोबस्त करे और मेरे खाने का बंदोबस्त करे। तेरे पास पैसे है कि नहीं? हाँ, खुराना साहब दे गए थे। बताया बताया उन्होंने मुझे। ये पकड़ो बैग जी। चलो सब वहाँ खड़ा रहो गेट पर। तुम चलो जी। वाह, क्या बंगला है, और इस बंगले के मालिक का नाम है खुराना। अब मेरा क्या बिगाड़ लेगा जमाना? पापा, हमने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी अगर केस का फैसला हमारे हक में नहीं होता तो हम क्या कर सकते? हमेशा जीत हमारी हुई है, एक आधी हार से क्या फर्क पड़ता है? सवाल हार या जीत का नहीं है, सवाल एक बेगुनाह इंसान को इंसाफ दिलाने का है। सोचो सोचो, इस बारे में सोचो, जरा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। पापा, आप जैसे जीनियस नहीं सोच सकते तो हमारी क्या औकात है? थैंक यू फॉर कॉलिंग मी अ जीनियस, पर बेटा सोचना तो पड़ेगा। सर वही तो सोचो 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 सोचो, सोचोगे नहीं तो केस हार जाएंगे बेटा। सर, लगता है किसी जबरदस्त केस की डिस्कशन चल रही है, कहीं तो मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करूं। आपका बोलना जरूरी था। क्यों? ये किसी चाल का मुकदमा या पार्टनरशिप डीड की ड्राफ्टिंग नहीं चल रही है, मर्डर केस की डिस्कशन हो रही है, और इस डिस्कशन के लिए आप बहुत छोटे हैं। गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ, मगर रावण ने भी हनुमान जी को एक मामूली वानर समझा था और फिर उन्होंने सारी लंका में आग लगा दी थी। वाह, क्या बात है, क्या बात है। जी जय जी, कभी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। सर आप ये मनोहर तांबे के केस को लेकर परेशान हो रहे हैं? वही तो बात है यार, समझ में नहीं आ रहा क्या कर। ये मनोहर तांबे वही है ना जिसके साथी ने उसके ऊपर जानलेवा हमला किया और उसने अपने सेल्फ डिफेंस में उसका मर्डर कर दिया? मगर सर जज को इस बात पर कन्विंस करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जज ने उसके खिलाफ बहुत अजीब सी राय कायम कर ली है, क्योंकि वो 3 साल से सजा काट रहा है चोरी के इल्जाम में, और उसके जितने केस के जितने आई विटनेस है वो सारे के सारे गुनहगार हैं। और पॉइंट ये है कि अदालत किसी गुनहगार की बात का विश्वास क्यों करेगी? तुम्हें तो इस केस की सारी हिस्ट्री मालूम है, खुद सारी खबरें रखते हो। सर मैं आपका चेला हूँ, और चेले को गुरु की हर बात की खबर रखनी चाहिए। थैंक यू। खबर रखने से यहाँ कुछ नहीं होता राज साहब, मसला यहाँ केस जीतने का है। उसका हल भी है मेरे पास। मेरे पास एक ऐसा सबूत है जिसे जज के सामने पेश करते ही ये बात साबित हो सकती है कि सेल्फ डिफेंस में आदमी किसी का भी मर्डर कर सकता है। कैसे? ऐसे। ये क्या बदतमीजी है राज? ये बदतमीजी नहीं आदर्श साहब, ये सबूत है, और इस सबूत को जज साहब के टेबल के ऊपर रख देना है,
वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह रिएक्ट करेंगे। और उसके बाद जज साहब को सिर्फ एक सवाल पूछना है कि अगर आप जैसी सूझबूझ वाला आदमी अपनी जान का खतरा पाते ही सबसे पहले खतरे को खत्म करने का काम करता है, तो मनोहर तांबे जैसे आदमी ने सेल्फ डिफेंस में अगर किसी का खून कर दिया तो क्या गलत? वाह 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 मेरे बच्चे, ब्रिलियंट, टू कूल एंड टू कूल डेडली। तुम्हारे दिमाग में ऐसी आइडिया आते कैसे हैं यार? सर मैं आपका चेला हूँ, मैं नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा? क्या सोच रहे हो राज? कुछ नहीं, तुम्हें देखकर बचपन की एक बात याद आ गई। मेरे बारे में? हाँ, बचपन में अक्सर मेरी माँ मुझे परियों की कहानी सुनाया करती थी। और मैं माँ से हमेशा पूछता कि माँ क्या मैं कभी किसी परी से मिल पाऊंगा या भी नहीं। माँ के पास मेरी इन बातों का कोई जवाब ना होता। आज अगर माँ जिंदा होती तो मैं तुमसे उसको मिलाता और कहता कि देखो माँ, मेरी हकीकत में मुलाकात एक परी से हो गई। अरे रे रे, आंख पीछे और कुछ मांगो, देखो तारा टूटा, तारा तारा तारा। आहा, तुम इन बातों में विश्वास रखते हो? तुम्हें लगता है कि टूटे हुए तारे को देखकर जो मांगो मिल जाता है? अब तक तो नहीं पता, मगर मैंने जो मांगा अगर मुझे मिल जाए तो सबसे पहले तुमको पता लगेगा। चले चलो। छोटी मैम साहब, ये डायरी राज साहब की है, लगता है वो इसे भूल गए। अच्छा जी, थैंक यू जी। मंडे, सोना आज आई तो जरूर अपने हमेशा के वक्त पर सोना का मूड आज ठीक नहीं था। मैंने पूछा, सोना इतना गुस्सा किस बात पर? उसकी आंखों में दो आंसू उभर आए, कहने लगी, वजह तो तुम जानते ही हो, मैं सब कुछ देख सकता हूँ मगर सोना की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मोहन प्यारे, ये समझ लो कि शहर के सबसे बड़े वकील तेजपाल फंस गए मेरे जाल में। आज सुबह से लेकर शाम तक मुझे बेटा बेटा कहकर जबान नहीं थक रही थी उनकी, और मैं अपने दिल में बोल रहा था कि बेटा नहीं बाबूजी, दामाद बोलने की आदत डालो। अरे दामाद तो तब बनेगा ना जब बेटी मानेगी। अरे वो भी मान जाएगी, जब पेड़ हिल गया तो फल तो गिर ही जाएगा अपनी झोली में। ओए राजा मत देख, जागते हुए सपने मत देख, जा भाई, रात बहुत हो चुकी है, जाके सो जा। अरे अभी कहाँ, अभी तो वो आने वाली है। क्यों, प्यार का इकरार हो गया है क्या? नहीं अभी तक हुआ तो नहीं है। तो फिर इतनी रात गई, क्या टाइम पूछने आने वाली है? नहीं, उसके दिल में दरअसल मेरे लिए प्यार बहुत है, लेकिन आज उसका इकरार करने आने वाली है वो। चल ना, कितना बोर करेगा, तेरी भाभी अभी डोरबेल बजाने वाली होगी। बाय बाय। हेलो हेलो। ये आप अपनी डायरी हमारे फार्म हाउस पे थैंक यू भुलाए थे। ओके ओके, बाय बाय। बाय द वे, ये सोना कौन है? सोना के बारे में जानना चाहती हो तो इत्मीनान से बैठकर सुनना होगा, क्योंकि ये एक लंबी दास्तान है। आओ। एक्सक्यूज मी, ये सोना का नहीं, मेरा हाथ है। ओ आई एम सॉरी, पता नहीं ये सोना की बात निकलती है मुझे क्या, आइए ना, मुझे क्या हो जाता है, बस यूं समझ लो कि मैं जिंदगी हूं तो सोना सांसें, मैं अगर दिल हूं तो सोना धड़कन, मैं अगर प्यास हूं तो सोना पानी है। एग्जैक्टली। मैं अगर फूल हूं तो सोना खुशबू, मैं अगर दर्द हूं तो सोना आह। समझ गई समझ गई, आप टीवी हैं तो वो रिमोट है, आप जूता हैं तो वो सॉक्स हैं, आप प्रेशर कुकर हैं तो वो सीटी है, और भी कुछ बोलेंगे आप? सुनो तो सही, पता नहीं ये सोना की बात निकलती है मेरी दुनिया वहीं की वहीं थम क्यों जाती है। अच्छा, बहुत मोहब्बत करते हैं उससे? मोहब्बत, बस यूं समझ लो कि इस नाम के इर्द गिर्द ही मेरी दुनिया बसी है। बहुत सुंदर है दिखने में। सुंदर बोलकर बेइज्जती मत करो मेरी सोना की, प्लीज प्लीज। सोना तो अति अति, अति। देखिए मैं जा रही हूँ, बहुत रात हो गई है, मैं फिर कभी आऊंगी। मेरी सोना की तारीफ में एक रात तो क्या, कई रातें कट सकती हैं। देखिए मैं फिर कभी उनसे पर्सनली मिल लूंगी, मिलवाएंगे ना आप? मुश्किल लगता है मगर फिर भी कोशिश करूंगा। वैसे सोना जी की एक तस्वीर है मेरे पास, देखना चाहेंगी आप?
नहीं जी, जरूर। हाँ मेरे सामने मत देखिएगा प्लीज। क्यों? मुझे शर्म आती है। सोना की तस्वीर, इसे यहां नहीं घर ले जाकर खोलना। फूलों से भी नाजुक है मेरी सोना। कलियों कलियों हम दाना डालें और मछली न फंसे, ये तो हो ही नहीं सकता। सोना पंखा है, मैं हवा हूं। सोना ये है, सोना वो है, सोना ऐसी है, सोना वैसी है। सोना तो सिर्फ मेरी एक कल्पना है और इस कल्पना का हिस्सा इस आईने में खोजने की कोशिश करो। अरे अब शर्माती रहोगी कि आगे भी पढ़ोगी? अरे पढ़ो तो। एक छोटा सा काजल का टीका लगा लो, मेरी नजरों से अपने आप को देखोगी तो नजर लग जाएगी। सोना कैसी है? सोना ऐसी है, सोना बहुत 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 खुश है। ये एक लड़की दीवानी सी, दिल ले गई ले गई ले गई, इसमें क्या बोलो यारो है मेरी खता। अरे नहीं 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 नहीं, ये तो होता ही रहता है, यही चाहत है दीवाने क्या तुझको नहीं पता। हो एक लड़की दीवानी सी, दिल ले गई ले गई ले गई, इसमें क्या बोलो यारो है मेरी खता। अरे नहीं 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 नहीं, ये तो होता ही रहता है, यही चाहत है दीवाने क्या तुझको नहीं पता। एक लड़की दीवानी सी, मुस्काते रहते हैं, बात आंखों से करती है, गर नजर तुमको आ जाए पता तुम उसका ले लेना, अगर ऐसा ना हो पाया हमारा नंबर दे देना। हाय 5212 क्या क्या था नंबर भी भूला, देखो इसमें क्या बोलो यारो है मेरी खता। एक लड़की दीवानी सी। तर 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 त
नजर से जैसे बिजली है, फिगर से जैसे मछली है, जरा सी बहकी बहकी है, जरा सी मछली मछली है। वो शमा है हम परवाने, उसकी सूरत के दीवाने, उसके सदके में अपना सर झुका कर जल जाना जाने। उसकी राहों में ये मिट जाने को करता है, इसमें क्या बोलो यारो है मेरी खता। अरे नहीं 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 ना ना, ये तो होता ही रहता है, यही चाहत है दीवानी, क्या तुझको नहीं पता। हो एक लड़की दीवानी सी, दिल ले गई ले गई ले गई, इसमें क्या बोलो यारो है मेरी खता। अरे नहीं 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 नहीं, ये तो होता ही रहता है, यही चाहत है दीवाने, क्या तुझको नहीं पता। हाँ तरर 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 रा तरर तरर रू रू तरर 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 रा तरर रू रिंगा रू तरर 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 रा तरर तरर रू रू तरर 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 रा तरर रू रिंगा रू। सलाम सर। ये गाड़ी किसकी है, कौन आया है? सर जिन्हें आपने भेजा था वो वकील साहब। मैंने? हाँ। मैंने किसी वकील को नहीं भेजा। लेकिन सर वो तो कल से आए हुए हैं और बड़े मजे से रह रहे हैं। कमाल है, पहले लोग फुटपाथ पे कब्जा किया करते थे, अब बंगले पे कब्जा करने लगे। देखो तो सही कौन है। खुराड़ा साहब तो इतना मानते हैं मुझे, मुझसे पूछे बगैर एक ग्लास पानी नहीं पीते। मतलब अगर तुम्हें वो दो दिन ना मिले तो बेचारे प्यासे ही मर जाए। Dad, you're too much. इतना मानते हैं आपको? इतना मानते हैं? भाई मैं उनका फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड हूँ। यानी कि दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम हो जाए उन्हें इस कंधे पर सर रखकर रोते हैं। भाई कंधे पर से हाथ हटालो, ये कंधा हमने खुराड़ा साहब के लिए रिजर्व रखा हुआ है। Excuse me. कौन है? Yes? खुराड़ा साहब आप? What a pleasant surprise. Pleasure is all mine. ये आपके नेबर है तेजपाल जी। Hi, sir. उनकी बेटी है सोनम। नमस्ते। Please, sir. आप चल के फ्रेश होइए ना सर, मैं जरा रेडी होकर मार खाने, मेरा मतलब मैं मिलने आता हूँ। हाँ करते हैं। Excuse us. Excuse me, sir. इन्हें तो मैं जानता हूँ, तुम कौन हो और मेरे घर को अपना घर बना के क्या कर रहे हो? सर मेरा नाम राज मल्होत्रा है, पेशे से वकील हूँ। तेजपाल जी की बेटी से मुझे प्यार हो गया, उन पे इंप्रेशन झाड़ने के लिए मेरी मत मारी गई, मैं आपके फार्म हाउस पे आ गया। अच्छा। मेरे प्यार की नैया पार होने वाली थी कि उसमें छेद करने के लिए आप आ गए सर, और अब किनारे पे मेरी नाव डूबने वाली है। अरे भाई एक क्लाइंट और वकील के आपस में ही बात करते रहेंगे हा? नहीं सर, मैं तो इनसे पूछ रहा था कि भाई जिस काम के लिए आए हो वो किया भी या फिर यहाँ वहाँ की हाँकने में लगे हो। सर वेरी ब्राइट एंड ब्रिलियंट यंग मैन, ये जरूर एक ना एक दिन बहुत तरक्की करेगा। आई एग्री विद यू। थैंक यू सर। अच्छा डैडी अब चले, अब तो इनके क्लाइंट आ गए हैं, ये बहुत बिजी हो जाएंगे, पता नहीं फिर कब हमारे लिए वक्त निकाल पाए। अरे ऐसा मत कहिए प्लीज, अगर वक्त साथ दिया तो बचा वक्त आप ही की सेवा में कटेगा। अच्छा सर शाम की चाय आपके यहाँ पक्की हो जाती है फिर? जरूर बेटा, हम इंतजार करेंगे। ओके आइए। ओके ओके बाय बाय। ओके सर। ओके 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 कैरी ऑन बेटा। अरे खुराड़ा साहब आप धर्मात्मा हो, परमात्मा हो, विश्वात्मा हो, जब भी मेरी रोमांटिक स्टोरी लिखी जाएगी उसमें मसीहा का रोल आप ही का होगा। बस बस यार, अब मेरे सामने ये मक्खन की दुकान मत खोलो, हमने भी जवानी में ऐसे बहुत से खेल खेले हैं। हाँ बस उन दिनों की याद में आज तुम्हारी मदद की है, जाओ यार खुश हो। अरे खुराड़ा साहब थैंक यू यार, थैंक यू। बहुत तेज हो भाई, थोड़ी सी देर में पैर से लेके गले तक पहुंच गए। एक दिन बहुत आगे जाओगे दोस्त। सर आई रियली वॉन्ट टू बी अ वेरी बिग, नॉट एज बिग एज यू, बट आई रियली वॉन्ट टू बी अ बिग मैन सर, एंड फॉर दैट आई वॉन्ट योर सपोर्ट। राज अबे ये होंडा है, टैक्सी नहीं है, तू इसमें क्या कर रहा है? अरे राज ये तेजपाल साहब ने तेरी गाड़ी भेजी है, सोनम की शादी के बारे में डिस्कशन करने के लिए बुलाया है। क्या बात करता है? किसी टेलर को जानता है? हाँ, माधव टेलर है ना। हाँ, कोई सूट उठा दे। बालाकोट है ना। अबे इस सूट के साथ तू मेरी शादी में सूट नहीं करेगा, कोई रंगीन सूट पहन के आना। राज राज अबे मैं राज चलते लोगों के मुंह नहीं लगता, मैं बड़ा आदमी हो गया, मेरा दिमाग खराब हो गया अभी। राज तू है ना एकदम यार मास्टर आदमी है। मेरे फार्म हाउस में यू नो दो तीन किस्म के आलू उगते हैं, अगर वहां से। राज बेटा अच्छा हुआ तुम आ गए। सर आपने मुझे बुलाया था सर? हाँ वो आदर्श ने अपने कजन से सोनम की शादी की बात चलाई है, इसलिए ये लोग चले आए। उस दिन तुमने सोनम के लिए भगवान से दूल्हा मांगा था, भगवान ने तुम्हारी सुन ली, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लड़के से मिलो, ये सब तुम्हारी दुआओं की वजह से हुआ है। आदर्श बेटा बेटा बैठाओ जरा, राज को मेहमानों से मिलवा दो बेटा जरा।
आओ बेटे। नमस्ते राज साहब, आइए। वेरी गुड चैपीज, वेरी गुड। एक्सक्यूज मी राज, सही वक्त पर आए हो। तुम्हारी इस सिचुएशन पर राज कपूर साहब ने गाना लिखा है, भौरे ने खिलाया फूल और फूल को ले गया राजकुमार, ये रहा राजकुमार। आइए नरेन, ये राज, छोटे मोटे वकील है, एफिडेविट बनाते हैं, अगर तुम्हें कोई काम हो तो इससे करवा लेना। मैं चाहता हूं कि हमारे लोग भी 20-50 कम है। क्यों राज साहब, मैंने ठीक कहा ना? हाय। तो कैसा लगा मेरा सोनू? सुंदर या अति 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 सुंदर? जरा लेवल पे आ जाएंगे आप? जी जरूर जी। अच्छा लड़का, बढ़िया है। नाक जरा सीधी नहीं है उसकी मेरी तरह। बढ़िया है। अच्छी नहीं लगी? नहीं अच्छी है। अच्छी नाक, बाल भी सही होते ना तो आदमी लगता बेचारा। हाँ। बहुत थोड़े कम है बाल। हाँ, थोड़े से। बहुत ज्यादा। कद ज्यादा कम नहीं, कम से कम मेरे जितना तो होना चाहिए था ना। कम है, तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं पता नहीं क्या। एक दर्जन नुक्स निकाल कर कहते हो कि मुझे सोनू अच्छा लगा, ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा? तुम चाहते हो कि मेरी शादी उसके साथ ना हो, तुम चाहते हो कि मैं उसे रिजेक्ट करके तुमसे शादी करूं। टूटते हुए तारे को देखकर मन्नत मांग सकते हो, कल्पनाएं कर सकते हो, आईने भेज सकते हो, दुनिया भर की बकवास कर सकते हो, लेकिन मुझसे दो सेंटेंस नहीं बोल सकते। आई लव यू सोना, आई वॉन्ट टू मैरी यू। नहीं, उन सबके सामने तुम जाकर नमस्ते नमस्ते जी कैसे हैं आप करते रह गए, ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे ऐसा करने से मेरी शादी कहीं और हो जाएगी। जानू, नहीं ना सोना, नहीं ना सोना बाबा, नहीं नहीं नहीं, आई लव यू, आई एम सॉरी, आई लव यू टू, आई लव यू। इसमें सारी गलती तुम्हारी भी तो है। कैसे? तुम भी अपना आईना लेकर बैठ गई, इतना भी नहीं कि अपने गाल के ऊपर तिल लगाकर साबित कर दो, इशारा कर दो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। वो तुम्हारे डैडी है, वो मेरे गुरु है, उनको मैं कैसे कह दूं कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं? स्टूपिड है, बात करती है। वो तुम्हारे गुरु हैं, मेरे तो पापा है ना, मैं अपने पापा से तो बात कर सकती। अरे तो करो ना यार। सोना मेरी बेबी, जानू, आई एम सॉरी। क्या राज तुम्हें पसंद है? अरे पहले बता दिया होता राज के लिए तो मुझे भी कोई ऐतराज नहीं, लेकिन बेटे एक बार उससे तो पूछ लो, उसको रिश्ता मंजूर है कि नहीं। मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। राज को भी रिश्ता मंजूर है, तुमको भी मंजूर है। अरे कमाल करते हो, लड़का घर में बैठा हो, तुम बाहर ढूंढ रहे हो, चलो सबको मीठा खिलाओ, मुंह मीठा कराओ, और मैं कर लूंगा। थैंक यू, थैंक यू। मुंह में खिलाओ, शाबाश, लाओ बेटा लाओ, जीते रहो। मुबारक हो, मैं भी इस घर का दामाद बन गया, और मैं जानता हूँ कि तुमको कोई खास खुशी नहीं हो रही होगी, मगर तुम्हारी सिचुएशन के ऊपर मुझे भी राज कपूर जी का एक और अच्छा गाना याद आ रहा है, फिल्म मेरा नाम जोकर का। कहीं आग ना लग जाए, कहीं आग ना लग जाए।
साहब, यस सर। ये जो आप फोटो खींच रहे हैं इसके पैसे कौन देगा? आप ही देंगे सर। तो फिर मेहमानों की फोटो खींचते रहेंगे, फैमिली वालों की फोटो नहीं खींचेंगे? मेरा मतलब एक बात है, नहीं नहीं मतलब फैमिली वालों एक फोटो हो जाए फैमिली वालों की। आइए आइए, सॉरी सॉरी, स्माइल 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 प्लीज। अमित जानू, हां तेजपाल परिवार आज आज कंप्लीट हो गया। एक बार और लो बेटा, इधर देखो ना। थैंक यू थैंक यू। देखा प्यारे मोहन, हम जैसे घटिया लोग कैसे अपने सपने साकार कर लेते। राज, तू वाकई में मास्टर आदमी है यार। तूने जो सोचा वो कर दिखाया। आदर्श की तरह तेरी गेम भी सक्सेसफुल हो गई। यार तू कहां आदर्श की गेम को मेरी गेम से मिला रहा है? उसकी वाइफ को देख, ऐसा लगता है जैसे कोई छोटा बरगद का पेड़ खड़ा है। क्यों हंसा रहा? आदर्श ने शादी नहीं की है, समझौता एक्सप्रेस का टिकट कटा है। और उनको देखो, ब्लाइंड खेला मगर विश्व सुंदरी टाइप की लड़की अपनी जेब में आ गई। शुक्रिया, शाबाश शाबाश। यार तेरे मुझ पे बहुत सारा एहसान है, मुझे तुझे एक फ्री में सजेशन देनी। दे रहा यार, दे प्लीज। यार देखो, जिंदगी में सपने उन्हीं के साकार होते हैं जो सपने देखते हैं, इसलिए देखो। और उस सड़ी हुई चाल में रहकर सपने ठीक से नहीं आते हो ना, तो मेरे बंगले में आकर सोना शुरू कर दो। क्योंकि नीली छतरी वाले ने हमारे सर पर ऐसी छतरी खोल दी है कि तेरा दोस्त राज है ना, जिंदगी में राज करेगा। राज, तू वाकई में मास्टर। क्या कर रहा है यार, पार्टी चल रही है तो बार बार गाल के ऊपर उंगली लगा रहा है। यार आराम से एंजॉय करना, आ जा आ जा। बस हंसता रहता है तू। हाय बेबी, अब सोए नहीं? मैं सोया होता तो जागता ना, सोया नहीं सारी रात। क्यों नहीं सोया मेरा बच्चा? इसलिए कि कल तक जो सपने देखता था आज सारे हकीकत में बदल गए। सोना बेबी। नहीं नहीं नहीं, देखो सुबह सुबह रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। तो यू हैव टू गो गेट रेडी। ओके, जाओ जा। चलो मैं भी चलकर अपनी प्रॉपर्टी का मुआयना तो कर लूं। देखो तो सही कि एक रात में किन किन चीजों का मालिक बन गया हूं मैं। हाय हाय, ये जूस का ले जा रहा भाई? आदर्श साहब के कमरे में। आदर्श, कल से जो नाश्ता है ना, पहले मेरे कमरे में आना चाहिए। जी
जी ठाट है ना साहब आपकी, कहाँ तो बस्ती के अंदर पानी कम चाय पीते थे और आज ऑरेंज जूस भी फीका लग रहा है। पता नहीं क्या हो गया एक रात में। क्या बात है, बहुत मुस्कुरा रहे बाबूजी। हाँ मैंने आपसे कहा था ना कि आपकी बेटी की बैसाखी बना के मैं आपके घर में घुस जाऊंगा, घुसाया ना तीनों मर्द की जबान। हाँ बताइए बंगले कितने हैं आपके पास? चार, उसमें से तीन तो मैंने ले लिए, चलिए एक आपको दे दिया। अब बचा आपका ऑफिस, तो मेरे हनीमून से लौटते ही अपना ऑफिस खाली कर देना, इसमें इतनी चौंकने की क्या बात है। हाँ आपके सारे क्लाइंट मैं संभालूंगा, आप बुजुर्ग हो गए भाई, अब छोड़िए अपनी जगह, वरना आप जैसे बुजुर्ग तो हम जैसे नौजवानों को तो कुत्ता बना के देवड़ी पे बैठा दे। क्या बात करते, गाड़ियां काफी खड़ी कर रखी है मैदान में इन्होंने अपने, जवानी में काफी रोमांटिक रहे होंगे हमारे ससुर जी। ये गाड़ी तो मैं अपने ऑफिस जाने के लिए रख लूंगा, ये ले जाऊंगा मैं कभी घूमने फिरने के लिए, अपने सोना डार्लिंग के साथ निकला करूंगा इसमें, अच्छी है काफी। हाँ ये गाड़ी मैं अपनी सोना को दे दूंगा, और वो मैं दे दूंगा नौकरों को, सब्जियां अब्जियां लाया करेंगे उसमें जाके इसमें बेचारे, और बाकी बचा वो आदर्श उस साले को तो मैं ऑटो में भेजूंगा। हाँ क्या बात है, तैयारियां हो रही है हनीमून पर चलने की, ये इतने सारे कपड़े लेकर क्यों चल रही है? नहीं बाबा हम हनीमून नहीं अपने घर जा रहे हैं, बस्ती में। अच्छा बस्ती में चल रही हो, तुम बस्ती में रहोगी? तुम बस्ती में क्यों रहोगी, मेरा मतलब है कि तुम वहाँ कैसे रह पाओगी? जैसे तुम रहते हो, और वैसे भी शादी के बाद लड़की का घर उसके पति के घर में होता है। मैं जानती हूँ ना तुम्हें तुम्हारी इज्जत कितनी प्यारी है, तुम थोड़ी ना जीजा जी की तरह यहाँ घर जमाई बन के रहोगे, तुम तो यहाँ घर के दामाद बन के रहोगे ना। Now be a good boy and get ready, okay? जानू, बेबी, सोना, समझा करो ना। देखो गुलिस्तान का फूल जो होता है ना वो रेगिस्तान में कभी पनप नहीं सकता, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा लोग यही कहेंगे ना कि मैं घर जमाई बन गया, सुन लूंगा सह लूंगा मैं तुम्हारे खातिर, तुम्हारे प्यार के खातिर। ए, उस दिन टूटते हुए तारे को देखकर मैंने भी एक मन्नत मांगी थी, मैंने मांगा था कि तुम मुझे पति के रूप में मिलो, क्योंकि तुम में हर वो बात है जो एक लड़की अपने पति में ढूंढती है, जिम्मेदारी का एहसास, सच्चाई, ईमानदारी, सब कुछ। बस भगवान ने मेरी सुन ली, और इसलिए जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूंगी, जिस हाल में रखोगे उस हाल में रहूंगी, लेकिन तुम्हारे सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं करूंगी, ठीक है? Oh, come on, smile, baby. I have to pack. Love you. Bye. अंकल आपने सोनू की बहकी हुई बातें तो सुनी होंगी। I am so proud of you, my son. सोनम कितनी खुशकिस्मत है जो तुम्हारे जैसा पति मिला। उसने मुझे बताया कि तुम्हें मेरी दौलत, मेरी जायदाद में कोई दिलचस्पी नहीं है। ओ हो, तुम एक सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ मेड इंसान बनना चाहते हो। मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई। अब मैं सोचता हूँ कि सारी दौलत आदर्श को दे दूं, जायदाद उसको दे दूं और खुद रिटायर हो जाऊं। क्या कि मैंने जिंदगी पानी पियो बेटा, मैंने जिंदगी में इतना काम किया है कि अब मैं चाहता हूं अपने फार्म हाउस में चला जाऊं, वहां आलू उगाऊं, भिंडी उगाऊं, तुम लोगों को अपने हाथ से उगाई हुई ताजी ताजी सब्जी भेजूं। क्यों कैसा लगा मेरा प्लान तुमको बेटा? कैसा लगा प्लान? कैसा लगा प्लान बताओ ना, मुंह से बोलो ना बेटा। बहुत अच्छा, उत्तम, वेरी गुड, टू गुड। मैं आती जाती रहूंगी दीदी, फोन करती रहना दीदी। देखो ना सोनू भी जा रही है। क्या आप सबको छोड़कर जा रही है? इसके बिना घर सुना हो जाएगा ना? बिल्कुल सुना हो जाएगा, डैडी भी बेचारे अकेले रह जाएंगे यहाँ पर। बहुत अकेले हो जाएंगे। कितनी दुख की बात है ना? नहीं इसमें दुख की क्या बात है, ये तो खुशी की बात है, सोनम अपने पति के घर जा रही है। हाय डैड, आप रो रहे हैं? You promised you would not cry. I'm not crying. You're crying. I'm not crying. See,
Yes, you're crying. Okay, okay, I'm crying. तू एक बात सुन, देख, ये बंगला, ये गाड़ियाँ, ये जायदाद सब मैंने तेरे लिए कमाया है। तू एक बार फिर से सोच ले कि तू यहाँ से ऐसे ही जाना चाहती है या मैं तेरे लिए। नहीं डैड, ये सब तो मेरा पति मेरे लिए फिर ला देगा। उनका तो सपना ही है टू बी लाइक यू। ही वॉन्ट्स टू बी अ सेल्फ मेड मैन। हाँ, यहाँ से जाने से पहले मैं आपसे कुछ मांगूंगी, जरूर मांगू। प्लीज गिव मी अ टाइट हग डैड। विश मी लक। ओह माय बेबी, आई लव यू। विश यू ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ। बताइए, लोग तो पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, मेरी बीवी ने मेरे सर पे कुल्हाड़ी दे मारी है। आज तो बुढ़ऊ का आशीर्वाद भी लानत लग रहा है मुझे। क्यों ढाई दिन के सुल्तान, लुट गए तेरी रियासत? बड़ा खुश लग रहा है भी। खुशी की तो बात है, खेल तो तूने बहुत अच्छा खेला, लेकिन अफसोस लास्ट बॉल पे रन आउट हो गया और लगे हाथों मुझे ये सारी दौलत मिल गई। कभी कभी एक पत्ता गलत गिर जाता है, होता है। कभी कभी सचिन तेंदुलकर भी जीरो पे आउट हो जाता है। बची बात इस दौलत की, तो सोना जैसी प्यार करने वाली लड़की के सदके में मैं इसकी 10 गुना दौलत तू जैसे गरीब की झोली में डाल सकता हूं। और हां, जो चीज लेने के लिए मैं यहां आया था वो मैं लिए जा रहा हूं, तेजपाल जी का नाम। और एक बात, मैं इस शहर में हारने के लिए नहीं, दौलत कमाने के लिए आया हूं। बहुत ही जल्द इस सड़क पर जो सबसे बड़ा बंगला होगा वो राज मल्होत्रा का होगा। जिस बिल्डिंग में तुम्हारा ऑफिस है उसके टॉप फ्लोर के पर जो सबसे बड़ा ऑफिस होगा वो राज मल्होत्रा का होगा। और जो सिग्नल पर सबसे बड़ी गाड़ी रुकेगी वो राज मल्होत्रा की होगी। और तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि राज मल्होत्रा मैं हूं। मैं जानू, 2 मिनट के लिए ठहरो, मैं तुम्हारे स्वागत की तैयारी करके आता हूँ। मैं भी आती हूँ ना। डोंट हर्ट माय फीलिंग जानू, शादी के बाद पहली बार घर आ रही हो ना। अच्छा। ओए मुंडू, चाय भेजे। अरे अरे अरे, ये क्या देख रहा हूँ मैं, सुदामा की कुटिया में भगवान श्री कृष्ण पर्सनली पधारे हैं। मजाक मत कर यार। अरे मजाक तो आप कर रहे हैं, तेजपाल के दामाद, 3-3 बंगलों के मालिक, मेरी कुटिया में क्यों? बंगलों में रेनोवेशन चल रहा है क्या? रेनोवेशन नहीं, रेवोल्यूशन चल रहा है। मेरी पत्नी है ना, खुदार टाइप की भोली वाली लड़की है। कहती है कि पत्नी की शादी के बाद जगह होती है उसके पति के घर में। अब पति बेघर है, उसको कैसे बताऊं मैं यार। अच्छा, मतलब भाभी को भी साथ लेके आया है? हाँ, वो नीचे गाड़ी में बैठी है ना, ऊपर तो क्या? आ नहीं सकती। गाड़ी में बैठी हुई है? अरे भाभी, भाभी मैं सीढ़ी से उतर के नीचे आ रहा हूँ। I swear this world is full of emotional fools, man. ए साइकिल वाले, हाँ मेरी भाभी आई है। ए भाभी जी, welcome, 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 आई आई है। ए छोटे जल्दी सामान उठा। नमस्ते भैया। ओ छोटे, 2 समोसे, 2 ठंडे मिठाई सब लेके आ जा। घबराओ नहीं, मैं भी आपके साथ खाऊंगा। Come on, come on, come on। भाभी जी, ये टेलीफोन, टेलीविजन, फ्रिज, गैस, किचन, बेडरूम, मंदिर, ये देवर आज से सिर्फ आपका है। मौन, अब तू ये नहीं कहना कि तू घर छोड़ के प्लेटफॉर्म पर रहेगा, ओके? ए, तू मेरी चिंता मत कर, हमारा आशियाना तो बाहर बरामदे में है। आज से इस घर में सिर्फ तेरी गृहस्थी शुरू होगी। भाभी जी, बेस्ट ऑफ लक। नमस्ते। एक काम कर, नीचे जाके पहले सब्जी तो लेकर आ जा। मास्टर आदमी है तू। जा जा, अब तो मास्टर भी है। बहुत अच्छे है मोहन भैया, बहुत टॉप लेवल का आदमी है। जानू, 22 साल पराए घर में रहने के बाद आज अपने घर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा इतनी जल्दी इतना सब कुछ कैसे हो गया। समझ में तो मेरे भी नहीं आ रहा है कि इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे हो गया। भाभी जी, sorry to disturb your intimate relationship, लेकिन डिनर में बैंगन चलेंगे ना? चलेंगे, चलेंगे, चलेंगे। Now you can come closer. I'm going out. I'm going out. मिस्टर रजत, ये पूरा कोर्ट खाली का खाली क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि राज, कोई भी लॉयर कालरा के भाई का मर्डर केस लड़ना नहीं चाहता। कमाल है, क्रिमिनल लॉयर मर्डर केस लड़ना नहीं चाहता, वो क्यों? भाई मामूली आदमी थोड़ी है वो, इस शहर के सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन का भाई है। दिन दहाड़े रास्ते पर एक आदमी को उसने चलाकर मार दिया। हाँ तो डॉन का भाई है तो उसके खिलाफ गवाही कौन देगा? है एक आदर्शवादी सोशल वर्कर पांगे। जब फाइनल हियरिंग का टाइम होगा तो उसको अस्पताल पहुंचा दिया जाएगा।
नहीं राज, उसे पुलिस प्रोटेक्शन है, और फिर सब लॉयर्स ये जानते हैं कि पांगे अपनी जबान कभी नहीं बदलेगा, और अगर उसकी गवाही पर कालरा के भाई का वकील ये केस हार गया तो कालरा उस वकील को गोली मार देगा, और अगर जीत गया तो डूंगरी में ठस जाने का। ये भाई कौन है, कहां जा रहा है? जी वो कालरा साहब से। काम क्या है? वो उनके भाई के केस के सिलसिले में बात करनी है उनसे। वकील लग रहा है भाई, ठीक है ठीक है। इस फाइल के अलावा और भी कोई फाइल है क्या? नहीं, इसका इसका कॉपी चाहिए। कालरा भाई, वकील साहब मिलने आए आपसे। हेलो सर। कौन है तू? वो आपके भाई के मर्डर केस के सिलसिले में बात करनी थी आपसे। ओ, बात कर इसे। पहले कोई मर्डर केस लड़े हो? जी नहीं, मर्डर केस तो नहीं लड़ा, लेकिन काफी बड़े बड़े केस हैंडल किए, जैसे रॉबरी केस, हाफ मर्डर केस। मर्डर केस भी निकालूंगा। ए, क्या काला किसी को इधर भेज देता है? ए, जावा यहां से, बहुत काम है। काला साहब बात तो सुनिए मेरी। ए, मेरा दिमाग वैसे ही हाफ आउट है, मैं तेरे अंदर दो गोली डालेगा, पुलिस मेरे को पकड़ेगा, ये लोग मेरे लिए वकील ढूंढेगा। अभी जा, जा। देखिए काला साहब, एक सेकंड, सॉरी। वैसे भी आपके भाई का केस लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। जब मैं अपनी जान का जोखिम लेने को तैयार हूँ तो आप क्यों चढ़ रहे हैं? यकीन मानिए जीत हमारी होगी। तेरे को कौन से गुड नेम? तारा। तारा जी, प्लीज ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड। ए भाई, जिम्बाब्वे के साथ क्रिकेट मैच नहीं खेलेंगे, जीत अपनी होगी। चल चल, एक मिनट फिर ये पकड़ी। हाँ, कोर्ट छोड़िए। काला साहब, आपके भाई का केस लड़ने का मुझे एक मौका दीजिए, उसके तकदीर के सितारे पलट जाएंगे, मैं कह रहा हूं आपसे। एक मिनट काला साहब, इसे ये मौका दे दीजिए। राणा साहब, मेरी गारंटी पर। हां, मैं भाई के दो नंबर के पैसे को मैं एक नंबर के धंधे में कन्वर्ट करता हूं। ओके, समझाइए सर इनको, टेल हिम ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड दैट आई कैन डू इट। थैंक यू सर, थैंक यू। खुराना साहब, आप देवदूत हो, आप फरिश्ते हो, यू आर एंजल, एंड लेट मी टेल यू, यू आर ग्रेट सर। मैंने पहले भी तुझे सब करने से मना किया था ना, किया था ना, तो फिर क्यों कर रहा? अब जा जाकर केस की तैयारी करो, वरना ये केस मैं वापस ले लूंगा। नो वे सर। कालरा साहब, आई थिंक यू वॉन द केस, यू हैव डन इट सर। ओके तारा, इसे केस की डिटेल्स। जी तारा जी, प्लीज कम कम कम। खुराना, तुम्हें पता है ना कि तुमने क्या किया है? मैंने खुद अपनी आंखों से तेजपाल जैसे होशियार और अकलमंद वकील को बेवकूफ बनाते देखा है। लड़का होशियार है, मौका नहीं मिला। अब यह केस तुम्हारे भाई के लिए नहीं, अपनी जान बचाने के लिए लड़ेगा। हाँ जानू। जान, कितनी देर लगा दी, पता है हम कितने परेशान हैं? क्यों राज, तूने कालरा का केस लिया है? हाँ लिया है। तो और तेरे को पता भी है कितना खतरनाक आदमी है वो? जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी जिंदगी को भी दांव पे लगाना पड़ता है, समझा? अपनी जान को दांव पे लगाने से पहले तुमने ये भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा और हमारे होने वाले बच्चे का क्या होगा? जानू, ये सब मैं उसी के लिए तो कर रहा हूँ। तुम एक मिनट के लिए सोचो तो सही कि मुझसे शादी करके तुमको क्या हासिल हुआ? ये सड़ा हुआ छपरा, ये उजड़ी हुई बस्ती जिसे हम आशियाना कहते हैं, आनंद महल ना है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी होने वाली औलाद इस जगह पर अपनी आंखें खोले। और तुम देखना, ये केस तो मैं चुटकी बजा कर जीत जाऊंगा। अच्छा, चुटकी बजाना जितना आसान काम है, तो फिर ऐसा कर, ये केस है मुझे दे दे, जो कुछ भी होगा ना मुझे होगा। मिस्टर मोहन, जिंदगी में बड़ा आदमी बनने का सपना मैंने देखा है, उसे साकार करने के लिए जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो भी मैं ही चुकाऊंगा। योर ऑनर, 26 तारीख की शाम को 5:30 का वक्त रहा होगा कि मैं दिन भर की जनसेवा से थका मांदा लल्लू भाई पार्क की बेंच पर आराम कर रहा था कि अचानक मुझे बचाओ बचाओ के चीखने की आवाजें आई। मैंने मुड़कर देखा तो लल्लू भाई पार्क के पीछे वाली सड़क पर एक आदमी बेतहाशा भागा जा रहा था और उसके पीछे ये साहब, बिल्कुल यही साहब, हाथ में टीन का डिब्बा लिए हुए उसी तेजी से उसका पीछा कर रहे थे। सामने भागने वाले आदमी को ठोकर लगी और वह गिर गया। इन्होंने उसे दबोचकर उस पर उस डब्बे से मिट्टी का तेल छिड़ककर जला दिया साहब, बुरी तरह जला दिया। डिफेंस को कुछ कहना है? यस मी लॉर्ड, मैं मिस्टर पांगे को क्रॉस एग्जामिन करने की इजाजत चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू सर। ओह सॉरी। हाँ तो मिस्टर पांगे, आपने लल्लू भाई पार्क से इन्हें त्रिलोकनाथ ज्वेलर्स को जिंदा जलाते हुए देखा? जी हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब यह हादसा हुआ वहां पर काफी लोग होंगे? बहुत सारे लोग थे साहब, काफी लोग थे। तो उनमें से कोई गवाही देने के लिए क्यों नहीं आया? क्या बताऊं साहब, सब डरते हैं इनसे, डरते हैं। अच्छा, आपको डर नहीं लगता? नहीं साहब, मैं नहीं डरता। तो आप जैसे बता रहे हैं कि आप निर्भय और निर्डर आदमी हैं,
ऐसे आदमी के सामने किसी को जिंदा जला दिया गया, आपने उसको बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? कोशिश की थी वकील साहब, लेकिन जहां मैं खड़ा था वहां से पार्क का गेट कुछ फासले पे था, पहुंचते पहुंचते वक्त लग गया, तब तक वो चल चुका था। तो आपको गेट तक जाने की कोशिश करने की क्या जरूरत थी? आप दीवार फांद कर जा सकते थे और उसको बचा सकते थे। वकील साहब, शायद आपको ये नहीं मालूम कि पार्क की दीवार 3-4 फुट ऊंची है। मेरी उम्र का तकाजा है और कुछ अरसे से मेरे पांव में तकलीफ भी है। मैं वो दीवार बोलते हैं आप, आपकी नियत मिली था उनकी जान बचाना, वरना 3-4 फीट की दीवार कूदना कौन सी बड़ी बात है? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ वकील साहब, मैं दीवार कूद ही नहीं सकता। आप दीवार कूद नहीं सके मिस्टर पांगे, या आपने एक लंबी छलांग लगाने की कोशिश की है? काला के कंधों के ऊपर पैर रखकर आपने अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने की कोशिश की? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, लेट मी कंप्लीट सर। इसलिए आपने इस केस के थ्रू मैक्सिमम माइलेज हासिल करने की कोशिश की? ये क्या अखबारों के अंदर फ्रंट पेज पर आपके इंटरव्यूज आते हैं? क्या आप मिस्टर काला को खत्म कर देंगे? प्रेस और मीडिया में चिक चिक कर आपने इनके खिलाफ एक अजीब सा माहौल रचा दिया है। अदालत के फैसले से पहले आपने इस आदमी को जनता की नजरों में मुजरिम करार कर दिया और खुद गवाह होने के बावजूद जज बनकर इनके खिलाफ फैसला सुना दिया। और अदालत को इस तरह से मिसगाइड करने से पहले आपने सोचा कैसे नहीं कि आपका एक मामूली सा झूठ एक जवान आदमी की जान ले सकता है? ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर, कितने शर्म की बात है, कितने दुख की बात है कि एक आदमी को दिन दहाड़े बीच सड़क पर जिंदा जला दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने गुंडों के सामने झुकने से मना कर दिया, इनकार कर दिया अपने खून पसीने की कमाई से हिस्सा देने के लिए मना कर दिया, और इतना सीरियस क्राइम करने के बाद भी यह आदमी, यह शख्स कानून से रहम की भीख मांगता है। नो योर ऑनर, ऐसे आदमी पर रहम करने का मतलब है फिर किसी मासूम की जिंदगी को खतरे में डालना। आई थिंक ऐसे क्रिमिनल्स के लिए कानून में सिर्फ एक ही सजा है, फांसी। मिस्टर मल्होत्रा, अब भी आपको कुछ कहना है? नो योर लॉर्डशिप, आई थिंक मुझे 10 मिनट का ब्रेक चाहिए सर, प्लीज। किस अनाड़ी को केस सौंप दिया खुराना? अगर मेरे भाई को कुछ हो गया ना, तो तुझे और तेरे इस वकील को, दोनों को गोली मार दूंगा। अरे कुछ नहीं होगा आपके भाई को, अभी केस का फैसला हुआ नहीं है, लड़का इतना जल्दी हार मानने वाला नहीं है। योर ऑनर, मैं ये केस हार गया, इनकी झूठ के सामने मेरा सच हार गया, मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अब इस बेचारे को फांसी होने से कोई नहीं बचा सकता, और अगर इसको फांसी हो गई तो इसका भाई पागल हो जाएगा। ये पागल हो गया तो ये मुझे गोली मार देगा, और मैं अकेले नहीं मरूंगा योर ऑनर, मैं अकेला नहीं मरूंगा सर, मैं अपने साथ इस बुड्ढे को भी ले जाऊंगा, मार डालूंगा मैं इसको, जान से मार डालूंगा। मैं इसको जान से, क्या हो रहा है, मैं जान से मार डालूंगा सर। ये क्या तमाशा है? आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी योर ऑनर, मगर मिस्टर पांगे के झूठ को साबित करने के लिए मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। कलयुग हो या सत्ययुग, सच्चाई को हमेशा अग्नि परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। जो आदमी दूसरे की जान बचाने के लिए 3 फीट की दीवार कूद करने गया, वो अपनी जान बचाने के लिए 6 फीट का कटघरा और 8 फीट की दीवार कूद कर उस पर चला गया। इससे साबित होता है योर ऑनर कि मिस्टर पांगे कितने बड़े झूठे हैं। इन्होंने 2 झूठ और कहे इस अदालत के अंदर। पहला झूठ कि वहां पर बहुत सारे गवाह मौजूद थे, अगर वो थे तो वो कहां है? गलत, वहां पर सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, मिस्टर पांगे, जलने वाले मिस्टर त्रिलोकनाथ जी और मेरे क्लाइंट मिस्टर विनोद। और दूसरा झूठ इन्होंने ये कहा कि ये आग बुझाने के लिए गए थे और मेरे क्लाइंट मिस्टर विनोद, इन्होंने आग लगाई, जबकि हकीकत यह है कि आग इन्होंने लगाई और मेरे क्लाइंट मिस्टर विनोद ने आग बुझाने की कोशिश की, जिसका सबूत है मेरे दोस्त मोहन प्यारे, जिनके हाथ जल गए मेरे हाथ की आग बुझाते बुझाते। योर ऑनर, ठीक उसी तरह जिस तरह मिस्टर विनोद के हाथ जल गया त्रिलोकनाथ जी की आग बुझाते बुझाते। क्योंकि हाथ उन्हीं के जलते हैं जो आग बुझाने की कोशिश करते हैं, आग जलाने वालों के हाथ कभी नहीं जलते सर।
और वहां पर तीनों में से सिर्फ एक आदमी का हाथ नहीं जला, एंड दैट इज ओनली मिस्टर पांगे। And that's all, Your Honor. अरे कौन कहता है मुंह काला है झूठ का? अरे कौन कहता है मुंह काला है झूठ का? वाकई में तू मास्टर आदमी है यार। झूठ का कौन कहता है मुंह काला है झूठ का? इमोशनल फूल है यार तू भी। खुद का जला लिया कुछ नहीं यार। बोल बाला है झूठ का। चल पीछे चल। Excuse me, Mr. Raj. Sir, एक सेकंड, इनसे, Mr. Raj से एक सवाल पूछना है। आज की जीत में आपने सच के लिए दिल लगाया था या फिर झूठ को जिताने के लिए दिमाग का इस्तेमाल किया? हम्म? अरे, एक मिनट, no comments please, thank you। हाँ, वो तो होगा ही, क्योंकि सब जानते कि खून किसने किया और आग किसने लगाई। कमाल है राज, चंद रुपयों के लिए आपने इंसाफ की नीलामी कर दी, एक बेगुनाह को सजा दिलवा दी और इस दरिंदे को आपने छुड़वा लिया। ये मेरे भाई को दरिंदा कहता है तू? ये भाई खटा, तुझे सच खोजने की बहुत इच्छा है ना? तेरे घर वाले तेरी लाश को नहीं बचाने। अरे क्या कर रहे हो कलर भाई? अब कर डालो। ये तू चुप कर। अरे इनको समझाओ यार, प्रेस वाले बैंड बजा देंगे इनकी। चल यहां से साला। क्या कर रहा? आज तो इसने तेरे भाई को बचा लिया, लेकिन याद रख, ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं। इसी कोर्ट में तेरा इंसाफ होगा और इसी कैमरे के साथ मैं तेरी करतूतों का पर्दाफाश करूंगा। ए, बहुत बोल रहा है तू, फोड़ डालूंगा साले। ओके ओके ओके, बैठो यार गाड़ी में बैठो। कमाल है यार, मैं सबको चूना लगाता हूँ, इन्होंने मुझे चूना लगा दिया, मेरी फीस ही नहीं दी यार। तुम्हारी फीस मैं दूंगी। ओ हाय, मुझसे फीस लेने में कोई प्रॉब्लम? यार काफी पब्लिक है, वैसे अकेले में कैसे रहेगा? चलिए। तो तुम यहाँ रहते हो? हाँ, आज तक का पता तो यही है, लेकिन अगर तुम चाहो तो कल ये कप परेड पाले ही लिए झूस की भी हो सकता है। आज से तुम हमारी कंपनी में आ गए हो, तुम जिस चीज पर उंगली रखोगे वो तुम्हारी हो जाएगी। अरे श्योर? देखते ही देखते तू दिल लगी थामने, देख तेरा बलवा खड़ा है तेरे सामने। देखते ही देखते तू दिल लगी थामने, देख तेरा बलवा खड़ा है तेरे सामने। मुझे क्या खबर थी तो चुप कैसे आएगा? मुझे क्या खबर थी तो चुप कैसे आएगा? मुझे क्या खबर थी तो चुप कैसे आएगा? नींद उड़ाने वाला चैन भी चुराएगा। करती है तकरार क्यों अब कर ले मुझसे प्यार, तू मेरे हो गई रे हो गई रे हो गई रे।
सीने से लगा के तुझे अपना बनाऊंगा, दिल में छुपा के कहीं दूर लेके जाऊंगा। सीने से लगा के तुझे अपना बनाऊंगा, दिल में छुपा के कहीं दूर लेके जाऊंगा। मानेगी ना हार, तू दीवानी हो गई यार, तू मेरी हो गई रे, हो गई रे, हो गई रे। मुश्किल हो गई रे, क्या कहा? आई विटनेस नहीं मिल रहा? अरे आई विटनेस नहीं मिल रहा है तो ढूंढो। इस शहर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैसों के लिए आई विटनेस बन जाते हैं। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मैं हर हाल में एक केस जीतना चाहता हूँ बस, एंड दैट्स इट। ओके बाय बाय बेबी। हाय पापा, जीत जाओगे पापा, जीत जाओगे। कल रात को मैंने फिर से टूटते हुए तारे को देखा और प्रे किया कि आप दुनिया के सबसे बड़े लॉयर बने। ओए होए माय बेबी, अरे तेरे ही नसीब से तो रोशन है मेरा ये घर। बस तू हर टूटते हुए तारे से अपने पापा के लिए प्रेयर किया कर, फिर देख तेरा पापा कितना बड़ा लॉयर बन जाएगा। बस बस बस, अब पापा को काम पे जाने दो, बड़ा लॉयर बनाना। एक मिनट, हाँ चिंटू बाल ठीक करना, हाँ फर्स्ट क्लास लग रहा। ओके लीजिए। आप आईने में क्यों नहीं देख लेते? इसलिए कि तुम्हारी आंखें ही मेरा आईना है मेरी जानू। अच्छा सुनिए, आज जरा काम से जल्दी आ जाइएगा। ओके। क्यों? क्यों क्यों जल्दी आइएगा? क्यों? क्या है आज? क्या, क्या है? क्या है आप बताइए। मुझे नहीं पता। करवा चौथ रखने के बावजूद तुम इतनी खूबसूरत कैसी लग रही हो? तुम्हारा चेहरा नहीं उतरता व्रत करके। आज करवा चौथ नहीं है डैडी, आज पेरेंट्स डे स्कूल में। अरे आई नो बाबा, आई नो, बट तेरी मम्मी इतनी प्रिटी है ना कि मुझे विश्वास ही नहीं होता कि अभी ये पेरेंट भी बन गई है। बस बस बस, आज याद से 6 बजे चिंटू के स्कूल पहुंच जाएगा। 6 बजे? 5:30 बजे। बेटा 2 चॉकलेट की शर्त, तेरे पापा आज नहीं आएंगे। मैं आऊंगा, डोंट फूल विद मी, आई डोंट लाइक इट। आजा, नहीं आएंगे। Yeah, I want all the papers to be ready by evening. My. तुम के लंच आवर में ब्यूटी पार्लर जाके आई? No, sir. तुम इतनी ब्यूटीफुल कैसे लग रही हो? कमाल है, मैं तुमको सुबह देखता हूँ तो तुम श्रीदेवी लगती हो, दोपहर को देखता हूँ तो माधुरी दीक्षित लगती हो। ये तो तुम बुरखा नहीं पहनती, वरना मैं तुमको कहता कि निकलो ना बेनकाब, जमाना खराब है। ले 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 ले। दो चॉकलेट की शर्त लगाई थी ना, नहीं आए ना तेरे डैडी? आ जाएंगे मम्मी, डैडी को लास्ट बॉल पर छक्का मारने की आदत है, मेरे आइटम शुरू होने से पहले आ जाएंगे। आ जाएंगे, आई होप सो। यूनुस ये फाइल क्लियर कर देना। अम्मा कमाल है यार, तुम भी एक अजूबा आइटम हो यार, 24 घंटे फ्रेश लगते रहते हो सिल्वेस्टर स्टालोन की तरह। मुझको तो समझ में नहीं आता कि तुम अपने आप को मेंटेन कैसे रखते हो, हाउ डू यू डू इट? नींबू सी ताजगी, जैस्मीन सी खुशबू, तुम इंसान हो या ब्यूटी सब? व्हाट अ ट्राई, व्हाट अ गुड शॉट, यू आर अ गुड लुकिंग गाय मैन। मर गया, मेरी बीवी का फोन। आज तो पेरेंट्स डे के लिए मुझे चिंटू के स्कूल जाना था। हेलो, द मोबाइल कस्टमर यू हैव डायल्ड इज करंटली अनअवेलेबल, प्लीज ट्राई कॉलिंग लेटर। आई विल ट्राई एंड कॉल यू लेटर, मगर आपका बेटा आपके लिए स्कूल में इंतजार कर रहा है, जरा जल्दी आएंगे प्लीज। यूनुस तुम लोग काम संभाल लो, तुम लोग सब मिलकर काम संभाल लो, मैं भाग रहा हूं, मैं भाग रहा हूं। ओ साहब कहां जा रहे हैं आप? अरे पेरेंट्स डे हो रहा ना ऊपर। आप बहुत जल्दी आ गए साहब। क्यों अभी तक शुरू नहीं हुआ क्या? शुरू नहीं हुआ, खत्म हो गए 2 घंटे हो गए और आप अगले साल के फंक्शन के लिए 1 साल जल्दी आ गए। नाम क्या है आपका? बाबूराव साहब। कितना कम बोलते हैं आप। अच्छा देखिए, जिंदगी में बहुत तरक्की करेंगे। क्या बन जाऊंगा साहब? होटल ताज के गेट के बाहर खड़े रहेंगे। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। सलाम सर जी, खुश भी हो रहा बेकू। टीसा आंटी, देखो डैडी आज भी प्रॉमिस करके नहीं आए, मेरे सारे दोस्तों के पेरेंट्स आए थे।
चिंटू बाबा, पापा को कोई काम पड़ गया होगा। आंटी, पहले पापा कितना मजाक कराते थे, डिनर पर ले जाते थे, पिकनिक पर ले जाते थे, स्कूल छोड़ने आते थे और लेने आते थे। और मांगो टूटते हुए तारों से दुआएं। तुम ही चाहते थे ना कि तुम्हारा पापा दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बने। अब भुगतो। हाय माय बेबी, आई एम चार्ली। अब जिंदगी में पहले कभी ना सुना हुआ बहाना सुनाइए। कैसी वाइफ हो तुम? मेरी बात करने से पहले ही मेरी बात को बहाना बोल रही हो। अरे तुमको तो मेरी शक्ल देखकर मेरी हालत का अंदाजा लग जाना चाहिए। मासूम की किस्मत अच्छी थी जो मरते मरते बच गया इसका पापा। क्या हुआ पापा? अरे मैं जल्दी जल्दी निकला ना तेरे स्कूल आने के लिए बेटा, तो फिसल गया, तो तर 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 तो फिसल के सीधा ग्राउंड फ्लोर पे आ गया। अरे रे रे, कहीं चोट तो नहीं लगी? लगी ना। कहाँ? घुटने पर। कहाँ? यार राइट में। क्या 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 कर रही हो? अरे देख रही हूँ बाबा, कहीं सूजन तो दिख नहीं रही है। तो अंदर से हथौड़ा लाके मार के सुझा दो यार। अरे जान दिख नहीं रही है तो क्या करूँ मैं? तू कितना शक करती है सोना आजकल। मम्मी, क्रॉस एग्जामिन मत करो, जाकर अंदर से स्प्रे लेकर आओ और पापा के पैर पे लगा। अच्छा भैया, स्प्रे का नाम भी बता दे मम्मी को, वरना कीड़े मारने का स्प्रे ले आएगी। कम ऑन पापा, कम ऑन। ये ये टेक, ये ये ऊ ई ये या जो ये कबा, ये लेके लेके पा, लेके लेके या राइट ये। तुम्हारे तो घुटने में चोट लगी थी ना? हाँ तो चोट लगी है ना, बच्चा खेलने के लिए बोलेगा तो खेलूंगा नहीं क्या? बहुत झूठ बोलते हो सोना। बेबी जानू, आई लव यू। कितना शक करती है सोना। बेबी जा जाके वॉली का खेलते। जी पापा। सोना, ओ खुशी के मारे मोहना तेरी वॉक तेज तेज की हो रही है। ओए? फूल। ये वकालत का धंधा छोड़कर फूल बेचने का धंधा शुरू कर दिया। ओ ब्लडी फूल, फूल बेचने के लिए नहीं देने के लिए आया हूँ, भूल गया आज तेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। अरे मर गया यार, यार पेरेंट्स डे के बारे में भूल गया था तो इसने मुझे बेडरूम के बाहर निकाल दिया था। मैरिज एनिवर्सरी के बारे में भूल जाऊंगा तो ये तो मुझे घर से बाहर निकाल देगी। और तू एक काम कर, तू फूल मुझे दे और तू जा। ओ तू जा कैसे भाई, भाभी को मुबारकबाद देनी मुझे। अरे तू पागल हो गया है, अभी तक तेरे भैया ने तेरे भाभी को मुबारकबाद नहीं दी, तू कहां से देगा? तू एक काम कर, तू जा, शाम को दूसरे फूल लेकर आ जाना, चल जा। ओ मैंने तो एक बार किया था इसलिए तीन बार कर दिया। सोना जाना, जानू बेबी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। उजा 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 उजा। तुम क्या सोच रही थी कि मैं आज अपनी शादी की सालगिरह भूल जाऊंगा? हैप्पी एनिवर्सरी मेरी जान। हाँ? मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें कभी समझ पाऊंगी। अच्छा अजय मेरा बेटा, आई लव यू। अरे मेरी जान, तू तो जानती ही नहीं है कि तू मेरी जान है, तू मेरा जहान है, तू ही मेरी धरती है और तू ही मेरा आसमान है। अरे अपुन इधर आयला है वकील साहब के घर पे, आज उनका वेल्डिंग एनिवर्सरी है यार। अरे अंग्रेज लोग ने भी कमाल का वर्ड निकाला, वेल्डिंग। लोखंड की सलाखों को भी टाका मारने को वेल्डिंग बोलते हैं और इंसान के जोड़े को भी वेल्डिंग। लेकिन अपने जैसे भाई लोग जो लोखंड की सलाखों के भाई रहे ना, वो वकील साहब की मेहरबानी से है। अभी तो एक काम कर, वकील साहब को पहले तो तू याद दिला कि आज उनका हैप्पी वेल्डिंग एनिवर्सरी है। वेल्डिंग एनिवर्सरी, मगर तुम कौन? काला भाई। ओह अभी जल्दी जा, फूल का वजन जास्ती है। अरे वाह मेरे शेर, खिलौना पसंद किया भी तो मर्दों वाला पन नकली क्यों? अपने जैसे भाई क्यों होते वो असली गन से खेलना यार। ये असली गन है? बिल्कुल, चला के देख, अड़ोस पड़ोस के चार घर के दूध के बर्तन नहीं गिर गए ना तो अपना नाम काला भाई नहीं, अब बे पंक्चर हो जाऊंगा। उधर उधर क्या हुआ? हा? बेटा क्या हुआ? भाभी माँ कसम कमाल का निशाना आपके छोकरे का, ये बड़ा होके बहुत। सोना क्या कर रही हो तुम? वकील साहब, वकील साहब। काला भाई है वो? भाभी है, भाभी है। काला भाई, कोई बात नहीं, मारा अपने को ना, अपन देवर समझ के मार खा लिया है यार, और कोई होता ना तो इसमें पांच गोली बाकी है। काला भाई, I'm very sorry, very, very sorry. चलता है भाभी काला, चलता है। हैप्पी वेल्डिंग एनिवर्सरी। थैंक यू, थैंक यू। वेरी सॉरी यार, वेरी सॉरी, नो प्रॉब्लम। सोना मालूम है कौन है वो? मुंबई के माफिया का राइट हैंड आदमी है वो। और हो भी कौन सकते हैं? क्या हो गया है आपको? पहले मोहन भाई साहब जैसे अच्छे और ईमानदार लोग आपके दोस्त हुआ करते थे, और अब ये गुंडा माफिया आपके सर्कल हो गए, घर तक आने लगे। सोना वो मेरा क्लाइंट है, ऑफिसर घर में नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा वो? पर इसका असर अब मेरे बेटे पे पड़ने लगा है। आज बंदूक चलाना सिखा, कल बम बनाना सिखाएंगे,
मैं इस घर में नहीं रह सकती। सोना चल बेटा। सोना 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 चलो सामान बांधो, सामान बांधो। मैं जा रही हूँ और तुम्हें खुशी हो रही है? खुश कैसे होऊंगा, बीवी चली जाएगी तो? बीवी बच्चे के साथ तो गृहस्थी होती है। मेरा सामान बांधो ताकि मैं भी तुम लोग के साथ रहूंगा, पड़ा रहूंगा किसी कोने में। मुझे समझ में नहीं आता मैं तुम्हारे साथ कैसे रहूं। लेकिन मैं बताता हूँ ना, तुम मेरे साथ प्यार से रहो। देखो मैं हाथ नहीं जोड़ूंगा, मैं आ जाऊंगा तो तुम नीचे गिर जाओगे। चिंटू तू पापा का। अरे नहीं 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 नहीं, हाय मेरा बच्चा। आया आया, मेरा तो कभी लाड नहीं करती तुम। हाय मेरा बेटा। अच्छा सुन बेटा, तुझे पक्का पता है डैडी यहीं आने वाले थे? हाँ मम्मी, उन्होंने यही कहा था कि वो अपने क्लाइंट के साथ सेंटर होटल में डिनर के लिए आने वाले। अच्छा चल बैठ जा, जूस पी। पता नहीं कहाँ फंस गए होंगे, आदत से मजबूर। तारा मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? तुम मुझे शादी से पहले क्यों नहीं मिली? क्यों, वरना तुम मुझसे शादी करते। सीधी बात है। अच्छा हुआ तुमने मुझसे शादी नहीं की। क्यों? वरना मैं अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर तुम्हारी बीवी की तरह इंतजार कर रही होती। मजाक करने की आदत नहीं जाएगी तुम्हारी। पीना आओ। अक्सर मैं खाने के लिए यहीं पर आता हूँ, यू नो। व्हाट फूड यू गेट हियर? ब्यूटीफुल प्लेस फॉर ब्यूटीफुल पीपल। मम्मी मम्मी डैडी आ गए। सुनिए, अरे मैडम तो चली गई, इस केक का बिल कौन भरेगा? बिल मेरे नाम का फटा है भैया। तो मैं ही भरूंगा। हाय डैडी। कौन थी वो? तारा। कौन तारा? चड्डा की बीवी। चड्डा? कौन चड्डा? तुम चड्डा को नहीं जानती? मेरा क्लाइंट। तो क्लाइंट की बीवी का इस तरह सबके सामने हाथ पकड़कर क्या कर रहे थे आप? तो तुमने तो मेरा सिर्फ हाथ उसके हाथ में देखा, उससे पहले मेरा हाथ उसकी कमर में था। क्या? हाँ, और उसे कुछ देर पहले जबरदस्ती पकड़कर मैंने उसे अपने गाड़ी में ढकेल दिया। बेटा अंदर जा। अंदर नहीं जाएगा वो। अब जब उसने सब कुछ सुनी लिया है तो पूरी सच्चाई गौर से सुनेगा हमारा चिंटू। सच्चाई? हाँ सच्चाई, जिसका तुम्हें पता नहीं। तारा और चड्डा साहब एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, हमारी तरह। उन दोनों की भी लव मैरिज हुई, हमारी तरह। मगर तारा का नसीब अच्छा नहीं है, तुम्हारी तरह, क्योंकि उसका पति बेवफा निकला। तारा ने चड्डा साहब को रंगे हाथों सेक्रेटरी के साथ पकड़ लिया, बात डिवोर्स तक पहुंच गई। और मैं नहीं चाहता था कि हमारे मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन किसी का डिवोर्स हो जाए। वो इसलिए कि तारा के भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, चिंटू जैसा बेटा है, एक छोटी सी बेटी है जो ठीक से मम्मी पापा भी नहीं बोल सकती। अब तुम बताओ अच्छा लगता है? दो मासूम बच्चे माँ बाप की वजह से आपस में बट जाए। मैंने जबरदस्ती तारा को गाड़ी में बैठाया और हाथ पकड़कर चड्डा साहब से सेटलमेंट कराने के लिए मैं होटल में आया। अब मुझे क्या मालूम था कि पराई आपको बुझाते बुझाते मेरे खुद के हाथ जल जाएंगे और अपने बेटे के सामने उसकी माँ की अदालत में हम मुजरिम करार कर दिए जाएंगे। ये तो वही बात हुई कि मैं किसी का केस सॉल्व करने के लिए गया और मेरी जिंदगी का केस खराब हो गया। I mean, this is ridiculous, Sona. I'm sorry, papa. मुझे आप पर शक नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, इसे पता लगता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। You're so possessive about me. Come on, let's go. Let's go. Let's have a blast.
तेरे गालों में, आजा तू लगा दूं मैं फूल तेरे बालों में। बहुत लीडरी छा गई है तेरे ऊपर, घर खाली नहीं करता। अभी तेरे चक्कर में जो दूसरे टेनेंट घर खाली कर रहे थे मना करते हैं। साहब बता रहे थे 7 साल से बड़ा तंग किया तूने, ये कोरट वो कोरट। अभी केस मेरे कोरट में और फैसला सुन ले। 2.5 लाख पकड़, इस कागज पे दस्तखत कर। भाई साहब अब ये केस हाई कोर्ट में है, जो कोर्ट फैसला करेगा वो हम मंजूर कर लेंगे। मतलब मेरा बात नहीं मानेगा तू? देखिए ये मामला इनके और मेरे बीच है, आप बीच में न पड़े तो अच्छा। ए मात्रे, तेरे को मालूम है तू किससे बात कर रहा है? अबे तेरे को मरने से डर नहीं लगता क्या साले? ले 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 ले, नहीं तो ये 2.5 लाख भी नहीं मिलेगा, समझा? हमें घर के बदले घर चाहिए, नहीं तो जो कोर्ट फैसला करेगा वो हम मानेंगे। अबे तेरे को जाने दे, इसे कोर्ट में मिलेंगे हम। जा तो सब शूट कर लिया। हाँ? वो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अरे चलो सेठ, कुछ नहीं होगा।
I'm sorry. It's okay. ये कौन है इसका नाम रजत रजत है रजत हाँ right right right. अरे रजत क्या हुआ? I'm sorry. देख I'm sorry. क्या हुआ? मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है. बाद में कुछ नहीं बाद में. हुआ क्या? नहीं कुछ नहीं हुआ. मैं ठीक हूँ. सब ठीक है राज. मैं ठीक हूँ. अरे सुन most beautiful woman in this world. Gift? यूं अचानक? बस मूड आ गया. मूड आ गया कि बीवी के लिए कुछ लेने गए थे और तुम मेरे लिए भी कुछ ले आए? Oh, come on, darling. किस बोर का नाम ले लिया? You know था, darling. चंद बीबियां ड्राइंग रूम में पड़े हुए उस टीवी की तरह होती हैं. उनको जब ऑन करो पुराना प्रोग्राम चल रहा होता है. और मैं? तुम? आहा, तुम तो इंटरनेट हो. जब ऑन करता हूं एक नई साइट दिखाई देती है. गुड. जरा जल्दी बन के आना डार्लिंग. राज ये कैसेट किसकी है? कैसेट? कौन सी कैसेट? भाई इसके अंदर कुछ भी नहीं है. तीन बार आगे पीछे करके देख लिया. कैसेट एकदम खाली है. मतलब कुछ रिकॉर्डिंग नहीं हुआ. और वो साला जर्नलिस्ट ने फुकट में अपना जान दे डाला. भाई साहब कविता मात्रे का घर कहाँ है? वो वहां से तीसरा रूम. शुक्रिया जी. चल चल. हाँ चलो. बैठो कविता. घबराओ मत. मैं हूं ना तुम्हारे साथ. तुम्हें तुम्हारे घर से कोई नहीं निकाल सकता. राज लड़ेगा तुम्हारा केस. मैं तुम्हारे पति के कातिल को सजा जरूर दिलवाऊंगी. तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा. हाय बेबी. हाय जान. बैठो ना. मुझे तुमसे कुछ बात करनी है. क्या बात है? बड़ी सीरियस लग रही हो आज. तुम्हें मेरे लिए एक केस लड़ना है. एक केस? ये जितने केस लड़ रहा हूँ तुम्हारे लिए तो लड़ रहा हूँ मैं. नहीं नहीं पहले वादा करो कि ये केस न सिर्फ लड़ोगे जीतोगे भी. अच्छा समझो तुम जीत गई. बोलो आगे. पूछो तो सही किसका केस है. हाँ किसका केस है बोलो. कविता के हस्बैंड का केस. उसके मर्डर का केस. ये कविता के हस्बैंड के मर्डर का जो केस है उसका जिम्मा तो कालरा के छोटे भाई पर है ना? हाँ और पिछली बार अगर तुमने उसे नहीं छुड़ाया होता तो शायद आज कविता के निर्दोष पति जिंदा होते. मैंने कविता को इंसाफ दिलाने का वादा किया है. तुम मेरी कसम खाकर कहो कि मेरा ये वादा तुम पूरा करोगे. करोगे ना? आइए आइए. क्या बात है? आज पूरी मंडली हमारे यहाँ. क्या रे क्या कर रहा है तू? मरने का तेरे को? राज ये क्या कर रहे हो? कालरा भाई के खिलाफ केस लड़ने जा रहे हो? कालरा भाई ने तुझे लाइफ में इतना बड़ा चांस दिया, इतना सपोर्ट किया, इसका ये रिटर्न दे रहा है तू? तू कविता को इंसाफ दिलाएगा? तेरा इंसाफ हम कर देंगे.
दो गोली डाल देंगे, तेरा केस कौन लड़ेगा फिर? यार आप बंदूक और तलवार ही इस्तेमाल करना जानते हो कि कभी कभी दिमाग भी इस्तेमाल करोगे? ये केस मैं नहीं लड़ता तो कोई और लड़ लेता और जीत भी जाता शायद, क्योंकि पब्लिक की सिंपैथी तो सौरभ के साथ है। ये तो आपकी तकदीर अच्छी है कि केस मैं लड़ रहा हूँ। कलरा साहब, आपके भाई मेरे भाई की तरह है, मैं बोला उसको कैसे फांसी के फंदे पर चढ़ा सकता हूँ? मैं जानबूझ कर ये केस हार जाऊंगा, बस फर्क इतना होगा कि आज तक मैंने केस जीतने की फीस ली है आपसे, पहली बार केस हारने के पैसे लूंगा। देखा भाई, मैंने कहा था कि जरूर कोई कमाल का पपलू लाया होगा ये छोकरा। अरे हम लोग सोच भी नहीं सकते, इतनी लंबी प्लानिंग करके बैठा, ये फैंटास्टिक। मान गए गुराना। ये इसको अंदर रख लीजिए आप अपने। I am sorry राज, मैं जरा अपने भाई के इमोशन में बह गया था। Never mind, it's okay. I am sorry. Bye-bye. दिल पर ले ले रहा हूँ। Bye-bye. ठीक क्या? कमाल शेर पकड़ के ला। लेकिन तुम्हारे साथ जीतने के लिए कौन सा लॉयर अपॉइंट करूं? तेजपाल एंड एसोसिएट्स में से मिस्टर आदर्श। अच्छा तो ये बाबा, मेरे को तो बहुत बड़ा लोचा लग रहा है। क्या वर है? अरे राज और आदर्श के बीच में 36 का आंकड़ा है यार। राज और आदर्श आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक से एक टिप्पस लड़ा रहे। राज ने यहाँ तक कि आपके भाई का केस है ना आदर्श को भी दे दिया। मेरे को तो पूरी दाल खाली लग रही है। बात करके देखो आप। अरे कालरा बोल रहा हूँ मैं। अरे कालरा साहब क्या करते हो? आपको कितनी बार कहा है कि घर फोन मत किया करिए। ए बोल वचन बंद कर बे। मैंने सुना तेरे और आदर्श का 36 का आंकड़ा है, मेरे साथ गेम कर रहा है क्या? जी हाँ, गेम तो खेल रहा हूँ मैं आपके साथ है? क्योंकि केस लेने के लिए मेरी वाइफ ने मुझे मजबूर किया है और वो अच्छी तरह से जानती है कि मेरे और आदर्श के बीच में टेंशन चल रही है, तो वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि केस में जानबूझ के हार जाऊंगा। समझ गया आप मेरा गेम? जरा बड़े हो गए हम बच्चे आपके, जरा हमारा ख्याल रखा करिए प्लीज। है आगे से प्लीज है। दिमाग है और बंदे में दिमाग तो है। यानू एक कप कॉफी मिलेगी? बहुत थक गया हूं मैं। मेरा बस चले तो उस कॉफी में जहर मिला के पिला दूं तुम्हें, पर क्या करूं, पत्नी हूं ना तुम्हारी। क्यों, ऐसा क्या कर दिया मैंने? झूठ, मक्कारी, और कुछ आता है तुम्हें? एक मजलूम औरत तुमसे इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठी और तुमने उसका केस लड़ने से पहले ही उसे हरा दिया। तुम हो ना मुफ्त में आजकल बहुत शक करने लगी हो। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो मेरे बारे में? हरगिज नहीं सोच सकती थी अगर मैंने खुद अपने कानों से कालरा को फोन पर नहीं सुना हो। बेबी ऐसा झूठ बोलना पड़ता है मैं फोन पर? एक और झूठ। तुम्हारी सारी जिंदगी एक बहुत बड़ा झूठ बनकर रह गई है। ये 500 रुपए का नोट याद है तुम्हें? ये इसी कविता का केस जीतने पर तुम्हें मिला था। अपने हाथों से तुमने इस पर सत्यमेव जयते लिखा था। तुम ही कहते थे ना, सच्चाई के लिए हर चीज छोड़ी जा सकती है लेकिन किसी चीज के लिए सच्चाई को नहीं छोड़ा जाता। और आज पैसों के लिए तुम सिवाय झूठ के और कुछ नहीं बोलते। हाँ झूठ बोलता हूँ मैं। तो तुम क्या समझती हो तुम्हारे डैडी झूठ नहीं बोलते? और माफ कीजिएगा आपके जीजा जी, आपके डैडी से भी बड़े झूठे हैं वो। और क्यों ना झूठ बोले वो? एक आदमी अपना घर परिवार चलाने के लिए, उन्हें सुख देने के लिए वकालत का काम कर रहा है और उसकी एवज में वो जिससे पैसा लेता है तो उससे इंसाफ नहीं करेगा वो? आदमी काम क्यों करता है और पैसा किसके लिए कमाता है? वो खुद के लिए कि बच्चों के लिए, बीवी के लिए? नहीं, ये पैसा तुम अपने लिए कमाते हो। अगर मेरी जिंदगी में पैसे की इतनी अहमियत होती तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। मैंने तुमसे शादी की तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी सादगी, सच्चाई देखकर। और जब ये सब चीजें तुम्हें नहीं रही तो मेरा भी यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं बनता। मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। सोना अगर तुम गई ना, और हाँ आज कोई बहाना नहीं बनाना क्योंकि मैं नहीं रुकूंगी। और एक और बात, तुम्हें एक और केस लड़ना है हमारे डिवोर्स का। सोना, बेबे, चलो।
इतना बड़ा डिसीजन, माना कि राह से गलतियां हुई हैं भाभी, लेकिन वो दिल का बुरा नहीं है। आप चलो मेरे साथ, मैं समझाता हूँ उस गधे को। नहीं मोहन भैया, मुझे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। मैं आपके पास अपना भाई समझ कर आई हूँ। अगर आप भी उनकी तरफदारी करेंगे तो मुझे यहाँ से भी चले जाना होगा। कैसी बातें कर रही हो भाभी, ये घर तो तुम्हारा है, लेकिन चिंटू के बारे में सोचो, उसके फ्यूचर के बारे में सोचो। भैया, राज के साथ रहकर ना तो मैं खुश रह सकती हूँ और ना ही चिंटू का कोई फ्यूचर है, इसलिए मैंने उन्हें तलाक देने का फैसला कर लिया है। अंकल, ये तलाक क्या होता है? बेटे, भगवान ना स्वर्ग से जोड़े बनाकर धरती पे भेजता है और इंसान उसे तोड़कर जो पाप करता है ना, उसे तलाक कहते हैं। अंकल, अगर मेरे मम्मी पापा अलग हो जाएंगे तो मैं किसके पास रहूंगा? बेटे, ये तो कोर्ट फैसला करेगा कि आप पापा के साथ रहोगे या मम्मी के साथ। कोर्ट मुझसे नहीं पूछेगी कि मुझे किसके साथ रहना है? पूछेगा ना। तब तो मैं बोल दूंगा मुझे मम्मी पापा दोनों के साथ रहना है, तब तो तलाक नहीं होगा ना? ऐसा नहीं होता बेटे। और फिर तुम्हारी मम्मी भी तो नहीं चाहती कि पापा के साथ रहे। क्यों? तुम्हारे पापा के झूठ से तंग आ चुकी हैं वो। अंकल, अगर मेरे पापा झूठ बोलना छोड़ दे तो मम्मी पापा को छोड़ के नहीं जाएगी ना? शायद बेटे। मम्मी मेरे पापा के झूठ से बहुत परेशान है, आप चाहो तो क्या नहीं हो सकता, ऐसा चमत्कार करो कि मेरे पापा कभी भी झूठ नहीं बोले, अगर चाहे भी तो उनके मुंह से कभी भी झूठ नहीं निकले। थैंक यू, प्लीज। राज, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम्हारी बोर बीवी से तुम्हें छुटकारा मिल गया। क्या मेरी गोद को कुर्सी समझ रखा है जो बार बार आकर मेरी गोद में चढ़ जाती है, या कबूतर खाने का चबूतरा समझ रखा है इसको? और हाथ पांव से इतनी तगड़ी है कि किसी कमजोर आदमी की गोद के अंदर बैठ जाओ ना तो वहीं कहीं अपाहिज हो जाए वो बेचारा। और तुम क्या मेरी बीवी को बोर बोलती हो? तू बहुत बड़ी टाइम पास है हा? अरे वो तो अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के चक्कर में, अपने आप को आगे ले जाने के चक्कर में मैं तुम्हारे चक्कर में आ गया। अरे मैंने कभी अपने सगे बाप को प्यार नहीं किया तो तुमको क्या प्यार करूंगा मैं? हाँ, और एक बात कान खोल कर सुन लो, मेरी बीवी इतनी बड़ी बोर नहीं है जितनी बड़ी तू चोर है। ओह माय गॉड। राज, राज, ये मैं क्या सुन रहा हूं बेटे? तुम्हारी हरकतों से तंग आकर सोनम तुम्हें डिवोर्स देना चाहती है, लेकिन तुम तो उसे प्यार करते हो, तुम मुझे अपना गुरु समझते हो, तुमने ऐसा क्यों किया बेटे? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ बड़ाऊ, और तुम मुझी को कोस रहे हो। बड़ाऊ? हाँ बड़ाऊ। बेटी को पाला वो सब बंगले के अंदर, और उसके बाद शादी के बाद सड़ने के लिए छोड़ दिया साला चाल के अंदर। हाँ, अरे वो तो कम अकल थी, लेकिन तुमको तो अकल थी, तुम रोक सकते थे उसको, लेकिन नहीं, मैंने तुमको अपना गुरु माना और तुमने क्या किया मेरे साथ? गुरुद्वारे के बाहर हाथ में कटोरा देकर भिखारी बनाकर खड़ा कर दिया मुझे और बोले बेटा मांग भीख। बड़े दामाद को देरी चलाने के लिए कंपनी, और मुझे क्या दिया? सोशल सर्विस सेंटर, कहां गरीबों की दुआ लगेगी? मेरी बद्दुआ का डर नहीं लगा तुझे बुड्ढे? बड़ी बेटी की शादी के बाद रिटायर नहीं हुआ, लेकिन मेरी शादी करते रिटायर होकर भिंडी और आलू उगाने के लिए चला गया गाँव के अंदर। और याद है किस तरह से पीठ पर हाथ मारकर मुझसे कहा कि बेटे आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, आई एम प्राउड ऑफ यू। मेरी बेटी खाली हाथ घर से जा रही है। अरे यार, जब बच्ची के हाथ में कुछ दोगे नहीं तो खाली हाथ ही जाएगी घर से, इतना भी नहीं कि महीने दो महीने का खर्चा दे देते, लेकिन ना, कहा कि मेरी सारी चिंता दूर होगी। अरे अपनी चिंता जब दूसरों को दे दोगे तो खुद की चिंता तो दूर हो जाएगी ना। दो तो बेटी पैदा कर सकते हो, दो घर दबा नहीं पाल सकते ने? अरे बाप रे, अंकल जी, अंकल जी, ओ नहीं, अंकल जी, अंकल जी, मैं नहीं नहीं, मैं अंकल, मैं आपको क्यों मारूं अंकल, आप मेरे बड़े अंकल, अंकल जी हो जाता है बच्चों से, अंकल, 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 आई एम सॉरी अंकल, आई एम वेरी सॉरी, आई एम साहब, ये क्या किया मैन? तुम कौन होती मेरे घर के मामले में बोलने वाली? हाँ, चलती फिरती बुलडोजर, डायनासोर की सड़ी हुई अंडी, शट अप, गेट अप। तुम लोग अपना काम करो।
योर ऑनर, मेरे क्लाइंट मिस्टर विनोद कालरा पर श्रीमती कविता महात्रे ने यह इल्जाम लगाया है कि उन्होंने उनके पति मिस्टर आनंद महात्रे को घर से अगवा करके उनका कत्ल कर दिया है। पर यह हकीकत नहीं है ऑनर। ट्रेन के कंपार्टमेंट में मिस्टर आनंद महात्रे की लाश के साथ एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है जिसमें यह साफ साफ लिखा हुआ है कि हालात से तंग आकर उन्होंने आत्महत्या की। यस योर ऑनर, मिसेज महात्रे की कंप्लेंट है कि 13 अक्टूबर को सुबह 11 बजे उनके पति को अगवा कर लिया गया। बट 13 अक्टूबर को ही 11:05 पर मिस्टर विनोद कालरा मेरे सामने बैठे हुए थे। उनके कार की टक्कर एक ट्रक से हो गई। वो कंप्लेंट लिखवाने आए थे। मैंने FIR लॉन्च करके इन्हें भाटिया हॉस्पिटल ले जाकर इनकी मलम पट्टी करवा दी। बस शिरोडकर, तू कितना झूठ बोल रहा है? भूल गया 13 अक्टूबर सुबह 11 बजे तू कोर्ट में था? तुझ पर खुद रिश्वत लेने का मुकदमा चल रहा था। इंस्पेक्टर शिरोडकर, क्या है सच है? योर ऑनर जी, लेकिन मैं क्या 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 चुप रहो। इंस्पेक्टर शिरोडकर को हिरासत में लिया जाए, अदालत में झूठी गवाही देने के जुर्म में इन पर मुकदमा चलाया जाए। सर ये किसके साथ आए थे मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ इनके सर पर चोट आई थी और मैंने स्टिचेस लगाकर उन्हें भेज दिया था। मिस्टर सरदेसाई, अगर 13 तारीख को आपने विनोद जी की पट्टिया की थी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 12 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर के बीच में मिसेस सरदेसाई गोवा के मेरिट होटल में सरदेसाई जी के साथ छुट्टियां मना रही थी, और अगर वो सरदेसाई आप नहीं है तो फिर वो सरदेसाई कौन थे? क्या बकवास कर रहे हैं आप, जस्ट शट अप। अरे वो किसी और के साथ नहीं, मेरे साथ ही थी। हम हस्बैंड वाइफ छुट्टी मनाने गए थे। तो अगर आप 12 अक्टूबर से छुट्टियां मना रहे हैं गोवा के अंदर, तो 13 अक्टूबर को विनोद जी की पट्टियां किसने की? डॉक्टर सरदेसाई को भी हिरासत में लिया जाए, इनका मेडिकल प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट भी कैंसिल कर दिया जाए। कोर्ट इज अर्जेंट टिल टुमारो। क्या हो गया मुझे, ये मैं क्या बोलूं? वकील, क्रिकेट खेलने का मूड में क्या? 2 बॉल में 2 विकेट, इरादा क्या है तेरा? क्या हो गया मुझे, ये क्या हो गया मुझे, क्या हो गया मुझे? मैं इतना सच क्यों बोल रहा हूँ? गुड मॉर्निंग सर, आज आप नहीं बोलोगे मैं कैसी लग रही हूँ? श्रीदेवी या माधुरी? सो बताओ ना प्लीज सर। शैतान की खाला लग रही हो, ऐसा बम लग रही है जो कभी भी फट सकता है। तुम बुर्का पहनकर क्यों नहीं निकलती हो? तुमको मालूम है बच्चा लोग देखकर कितना डर जाते होंगे? नो आई एम नॉट मीन। तुम बैठी हो तो ऐसा लगता है जैसे कोई भैंस पानी में बैठ गई हो। आई रिजाइन। सर 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 सर, मैं कैसा लग रहा हूँ? लग रहा हूँ ना बिल्कुल धर्मजी जैसा? धर्मजी की इतनी बेइज्जती। तू धर्मेंद्र नहीं, तू बंदर लग रहा है। चलते फिरते कुरमुरे की गोनी, दिन भर डुक्कर की तरह खाता रहता है, एक दिन फुग्गे की तरह फट जाएगा, सड़क पर तेरी लाश पड़ी होगी, उठाने के लिए कुली बुलाने पड़ेंगे, और कभी कभी नहा भी लिया कर भैंसते, तेरे कपड़े इतने बांस मारते, पूरा स्टाफ परेशान रहता है तुझसे। हॉस्पिटल में क्लोरोफॉर्म की जगह अगर तेरे कपड़े सुंगा दिए जाए तो पेशेंट कोमा में चला जाएगा। अबे पेट मत खींच, पेट खींचने के बावजूद तेरा पेट भार रहता है, मुर्दे के बाल काट देने से उसका वजन हल्का नहीं हो जाता। अबे मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे कंट्रोल में। अबे तू कंट्रोल में आ जा वरना तुझे काट के फेंक दूंगा मैं। डार्लिंग, सोना, लव माय बेबी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम चली जाओ इससे, आज के दिन मुझसे कोई नहीं मिलेगा, प्लीज प्लीज तुम चली जाओ इससे। मैं तुमसे बात बात करने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ इतना पूछने आई हूँ कि तुमने डैडी से ऐसा क्या कह दिया कि उनका बीपी लो हो गया, उनके लिए डॉक्टर बुलाना पड़ा? ओहो तो बुड्ढा बच गया। हाँ? मैंने तो सोचा था कि अब तक निकल लिया होगा। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने तो उनसे भी साफ साफ कह दिया कि मैंने उनके नाम और दौलत के चक्कर में तुमसे शादी की थी। हाँ तुम्हारे पीछे मैं लट्टू बनकर इसलिए पड़ा हुआ था, तुम्हारी गाड़ी के सामने भी झूठ मूठ कूदा था, मगर तुम इतनी बेवकूफ लड़की हो कि इतना छोटा सा झूठ नहीं पकड़ पाई। तरबूज में कान नाक मुंह फिट किए हुए तुम्हारे बाप की शक्ल की इंसान की मैं पूजा करता रहा, यह सोच करके वो मेरी जिंदगी की छतरी बनेंगे, मगर तुमने मेरे सर से छपराई गुल कर दिया। सम्मान और खुदारी के चक्कर में तुमने मुझे वदारी बनाकर छोड़ दिया। सोना मुझे माफ कर दो। सोना मैं क्या करूं, मेरे मुंह से सच ही निकल रहा है। तुमने बोल लिया ना, मैं अपना जवाब कोर्ट में दूंगी। हे भगवान, अब मेरा डिवोर्स होने से मुझे कोई नहीं बचा सकता, ये क्या हो गया मुझसे? सिर्फ मेरा बेटा चिंटू बचा सकता है। चिंटू बेटे मैं आ रहा हूं। अरे भैया सुनो, जल्दी से सेंट एंड्रयू स्कूल चलो। ओ पाजी, वो तुझे मैंने पहचाना, लड्डू सिंह पाजी, असली लड्डू सिंह है। यार जो भी जल्दी चलो यार, जल्दी चलो, बैठो। लड्डू सिंह आ गया, बड़ा पता नहीं कौन होगा लड्डू सिंह। वो पाजी वो गड्डी नहीं है। ए अरे यार जल्दी चलो यार। पाजी तुझे मैंने पहचाना नहीं? अरे जब तुसी पहली बार बंबई चाय से ना
तो मैंने तुहानू आनंद महल छड़िया सी और तुसी मैनू सलाह दी सी कि पाजी किराए की टैक्सी चलाने च फायदा है, अपनी गड्डी कभी ना खरीदना। यार पहली बात, तुम कोई अनिल कपूर हो जो तुम्हारी शक्ल देखकर मैं पहचान लूं? 1.5 लाख टैक्सी चलाने वाले लोग हैं शहर के अंदर, किस किस का चेहरा मैं याद रखूंगा? और दूसरी बात यह कि तुमको मैंने सलाह इसलिए दी होगी क्योंकि तुम्हारी शक्ल देखकर ही मैं पहचान गया हूँगा कि तुम्हारी साइकिल खरीदने की औकात नहीं है, टैक्सी का तू खाक खरीदेगा और तुमके खाते क्या अनाज खाते हो, घास चरते हो मैदान में जाकर? कौन पैसेंजर किस मूड में आकर बैठा हुआ है उसकी कोई होश नहीं है, उसको सड़ाना शुरू कर दिया और तुम्हारी बीवी तो मजबूर होगी, झक मार के उसको तुम्हारे साथ रहना पड़ता होगा। अगर मैं तुम्हारी बीवी होता ना तो खसबाड़ू खड़े सेकंड लात मार के मैं तुमको बाहर निकाल डालता और डाइवोर्स करता, तलाक देता मैं तेरे को। ओए ओए खोते दे पुत्र, ओ लड्डू भाजी, ओ नीचे उतर, ओ नहीं, ओ नीचे उतर। ओ यार गलती हो गई, थाली दे बैगन, नीचे उतर। ओ एक मिनट, ओ यार क्या, मैं क्या नीचे उतर रहा हूं? ओ लड्डू भाजी, ओ चल, ओ चल, सच बर्दाश्त नहीं हुआ, जुलाब लग गए। ओ चिंटू, ओ चिंटू, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, ओए ओए यहां सब पीले में। ओ चिंटू, ओ चिंटू, मैं चिंटू नहीं हूं। चिंटू, चिंटू डैडी, ओ चिंटू, ओ चिंटू, ओ इधर आ यार। ओ चिंटू, ओ बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अरे मेरे मुंह से सच के सिवाय कुछ नहीं निकल रहा, अपनी मम्मी को बोल मुझे छोड़कर नहीं जाए। याहू, ऊपर वाले ने मेरी विश कबूल कर दी। तेरी कौन सी विश? अरे डैडी, कल रात को मैंने टूटते हुए तारे को देखकर विश किया कि आप कभी भी झूठ नहीं बोले। लो, इससे अच्छा तो ऊपर वाले से विश कर देता कि तेरे डैडी मर जाए। सुबह से लेकर अभी तक आधी दुनिया मेरी दुश्मन हो गई है। बेटे, ऊपर वाले से बोल के तेरी विश कैंसिल कर दे, वरना तेरे डैडी जो है ना, हाँ, वो चल पड़ेंगे। अरे डैडी, कल रात को मैंने टूटते हुए तारे को देखकर विश किया, अब दिन में तारे कहाँ से लाऊं? अच्छा बंदोबस्त किया है तूने मेरे बेटा, चल जा खेल। बाय डैड। खेल। विश? ऐसा हो सकता है? ए वकील, कोर्ट के अंदर जज के सामने तेरे बहुत उल्टे सीधे पैंतरे थे, बहुत चौड़ा और रेला था, अभी पतली गली। चल भाई बुला, चल। अबे ओए, कोल्ड ड्रिंक के खाली बोतल के मुड़े हुए स्ट्रॉ, घिसी हुई कोलापुरी चप्पल। ए, ये देख, ये देख। अरे सुबह सुबह ब्रांडी मार के कोर्ट गया था कि अपने विटनेस सुना दिए। अरे मेरा यकीन मानिए काला भाई, मुझसे झूठ बोला नहीं जा रहा यार। चुप कर, चुप कर। तू तो इतना बड़ा झूठा है कि माँ के पेट से पैदा होकर पहला रोना भी झूठ मूठ कर रोया होगा। ए वकील, विनोद भाई को कुछ भी हुआ ना, ईमान से इसके अंदर चेचिया ऐसा मुंह खोल के पेपर में की तरह पेट के अंदर नहीं डाल दिया। क्या सूखे हुए छुआरे, बासी उड़द के पापड़, तू क्या मुझे जब देखो गन की हुलपट्टी देता रहता है? हाँ, भूल गया उस दिन किस तरह से तेरे को मेरी बीवी ने चपाट मारी थी खींच के, दिन में तारे दिखा देते फिर भी सुधरा नहीं, और क्या गन दिखाता रहता है, कभी चलाते भी है क्या? चला पहुंचो। राज राज राज, ये क्या करा, हम तेरे वेलविशर हैं यार। अबे काय का वेलविशर भाई, जब देखो तो लौंडियों की तरह गन पॉइंट के ऊपर नचाते रहते, बोलते वेलविशर हो, मैं बनू क्या वेलविशर? ए ए चिल्ला मत बे, जब देखो तो कुत्तों की तरह चिल्लाता रहता है। क्या बोला था उस दिन मेरे ऑफिस में आके मेरे को, हां कि दो गोलियां अंदर डालूंगा, तेरा केस कौन लड़ेगा? बदतमीज, बात करने की तमीज नहीं है? क्यों उस दिन रात को फोन किया तूने मुझे? मालूम है तेरे चक्कर में मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई? इतना मेरी पता कि बात कैसे करते हैं फोन के ऊपर? साला ऊपर वाले ने इंसान बना दिया, गधा बनाते बनाते, उल्लू का पट्टा, बगैर सिंह का बैल, 10 कुत्ते पाल रखे अपने बगल में, अपने आप को शेर समझता है। देखो राज भाई, अरे भाई मत बोलो मेरे को, भाई जबान हिला हिला के भाई बोलता रहता है। अबे भाई मान तो मैं मानू, पकड़ मार डालूंगा साले को। ये क्या करा, छोड़ूंगा नहीं इसको। क्या करा, पागल हो गया क्या, पागल हो गया? अगर ये मर गया ना तो हो गई तेरे भाई को फांसी। तूने सुना नहीं इसने मुझे क्या कहा? अरे यार, इसमें इसका कसूर नहीं है, इस बेचारे का घर टूट गया, हमारी वजह से इसकी बीवी से छोड़कर चली गई, ऊपर से तेरे आदमी इसे गन पॉइंट पे उठा के ले आए। अरे कोई भी पागल हो जाएगा यार। सुन सुन, क्या नहीं किया इसने हमारे लिए, अपने आप को आग तक लगा ली तेरे भाई को बचाने के लिए। इसे अपने तरीके से काम करने दे यार, जस्ट गिव मी द गन, यू रिलैक्स, ओके? लेट इट गो, लेट इट गो, कम ऑन कम ऑन, लेट इट गो, रिलैक्स। राज पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया तेरा, प्रॉब्लम क्या है भाई है? वो तेजपाल साहब से तूने बदतमीजी की, भाभी के मुंह पे बकवास कर ली, कालरा भाई से तूने दुश्मनी मोल ले ली, मतलब घर भी गया, इज्जत भी गई, और अब जान भी जाने वाली है, और पूरा शहर तेरे को मारने के लिए दौड़ रहा है। ओ यार मैं कुछ नहीं कर रहा यार, सब अपने आप हो रहा है यार, मेरे मुंह से झूठ नहीं निकल रहा। झूठ नहीं निकलता, सबसे बड़ा झूठ तो आप बोल रहा है। तू बैठ, तू इधर बैठ, चल, तुझे लगता ना मैं झूठ बोलता हूँ? बैठ, चल, तू मुझसे कोई भी ऐसा सवाल पूछ तुझे लगता है जिसका जवाब मैं झूठ ही दूंगा, चल पूछ मुझसे। ठीक है तो फिर बता, मेरे बारे में तू अपनी राय बता। दोस्ती टूट जाएगी यार। नहीं नहीं, टूट जाए दोस्ती, तू बता दे आज मेरे बारे में राय क्या तेरी। दुश्मनी हो जाएगी, जाने दे, कुछ नहीं, दुश्मनी हो जाए यार, तू बता मेरे बारे में राय क्या। कुछ और, कुछ और सॉल्व। नहीं कुछ और क्यों पूछूं, पहले ये बता मेरे बारे में राय क्या तेरी। तो सुन, मैंने तुझसे बड़ा बेवकूफ अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अभी जिस शहर में बगैर मतलब के लोग किसी को पानी नहीं पिलाते, वहां पर तूने मुझे रहने के लिए अपनी खोली दे डाली, और उसके बाद तूने क्या सोचा कि मैं तुझे राजा हरिश्चंद्र समझ लूंगा? उसी वक्त तू मेरी नजरों से इतना गिर गया कि मुझे यकीन आ गया कि मैंने डफर से दोस्ती कर ली। तो
तब जाके मुझे मालूम पड़ा कि 10 साल मुंबई शहर में रहने के बावजूद तू बड़ा वकील क्यों नहीं बन पाया। और एक चैलेंज मारू तो अगले 10 साल भी रह लेगा ना शहर में, तो उसी कोर्ट के बाहर उसी खंभे के नीचे खड़ा मिलेगा, क्योंकि तू इंसान नहीं है, तू खंभा है साले खंभा। हेलो, अब बाद में फोन करेंगे प्लीज। सॉरी यार, ये सची क्यों निकल रहा है मेरे मुंह से यार? नहीं नहीं, मुझे तेरी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा, फोन दे दे मेरा, बल्कि मुझे तो आज बहुत खुशी है, तू वाकई में सच भी बोल सकता है। काश ये सच बोलने की आदत तुझे बहुत पहले पड़ गई होती तो इतने बड़े घर में तू अकेला नहीं होता, भाभी घर छोड़ के नहीं जाती, चिंटू तेरे साथ रहता। राज, मैं तुझसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, बचा ले अपने टूटते हुए घर को, बचा ले। एक और सच बोलूं मोहन, ये तू ऐसे करता है ना, मेरा दिल करता है कि एक लाफा मारू खींच के तुझे यार। ये क्या करता रहता तू? मास्टर आदमी है, एक तो मास्टर। हेलो। हाय डैड, मैंने आज रात को टूटते हुए तारे को देखकर अपनी विश वापस ले ली है, अभी आप फिर से दिल खोल के झूठ बोल सकते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं बेटा, अब मैं जो भी लड़ाई लड़ूंगा सच के साथ ही लड़ूंगा। योर ऑनर, माना कि जिस दिन आनंद महात्रे का कत्ल हुआ मेरे क्लाइंट मुंबई में थे, पर इसे यह साबित नहीं होता कि मेरे क्लाइंट ने उनका कत्ल किया, क्योंकि आनंद मात्रे के जेब से निकली हुई चिट्ठी ये साफ साबित करती है कि उन्होंने खुदकुशी की। योर ऑनर, आनंद मात्रे एक लड़ने वाला इंसान था, हालात से तंग आकर आत्महत्या करने वालों इंसानों में से वो था ही नहीं, और डिफेंस के कहने के मुताबिक अगर उसने हालात से तंग आकर आत्महत्या की है तो मैं उन हालातों के बारे में जानना चाहूंगा। योर ऑनर, आनंद मात्रे की खुदकुशी करने की वजह थी उसकी बीवी की बेवफाई और बदचलनी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, डिफेंस मेरे क्लाइंट के ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं, वो एक नहायत ही शरीफ बेवा को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है सर। One minute, my friend. Your Honor, I can prove it. मिश्रा जी, आप मरहूम आनंद महात्रे के पड़ोसी हैं? हाँ साहब, 20 साल से मैं उनका पड़ोसी हूँ। तब तो आपको पता होगा उनके घर कौन आता था कौन जाता था। जी हाँ। कोई ऐसा खास आदमी जो उनके एब्सेंस में आता था? हाँ जी, आता था। कौन? वो जो पतले से आदमी बैठे है ना, वो। हाँ साहब, ये आदमी अक्सर इनके घर आया जाया करता था। किस वक्त? साहब, आने जाने का कोई टाइम फिक्स नहीं था, कभी दिन में भी आता था, रात में भी आता था। क्या करने आते थे? अब साहब क्या करने आते थे मैं क्या बताऊं, सब घर का दरवाजा बंद होने के बाद घर के अंदर क्या होता था क्या करता था मुझे नहीं मालूम साहब। और ये जनाब जाते कब थे? आनंद भाई के आते ही फौरन निकल लेते थे साहब। हाँ योर ऑनर, ये सच है कि कल रात बिरात आनंद मात्र के घर जाता था, लेकिन इनका घर खाली कराने की धमकी देने जाता था। नो योर ऑनर, ये वाकई आनंद महात्रे की बीवी से मिलने जाते थे। मैं अदालत से रिक्वेस्ट करूंगा कि काला भाई को कटघरे में बुलाया जाए। आ जाता था, प्यार किया है, कोई चोरी थोड़ी की है। जी नहीं, ये झूठ बोल रहा है। एक बात बताइए काला भाई, आपके मिसेज महात्रे के साथ संबंध किस हद तक थे? क्या बात कर रहे हो साहब, प्यार की भी कोई हद होती है क्या? यूं समझो कि सारी हदें टूट गई थी साहब। योर ऑनर प्लीज, ये आदमी अपने बॉस को बचाने के लिए घिनौनी हरकतें कर रहा है। अभी रहने दो वकील साहब, क्यों अपन का मुंह खुलवा के किसी औरत की भरी अदालत में इज्जत उछाल रहे हो? अभी जब मुंह खुलवा दिया है तो सुनो, एक लेडी कांस्टेबल को बुलाओ, उसको बोलो ये औरत के साथ लेडी बाथरूम में जाए और चेक करे, उसकी पीठ पे एक ऐसी जगह तिल है जो बचपन में सिर्फ उसके माँ बाप ने देखा है, शादी के बाद उसके पति ने देखा और रोमांस करते टाइम अपुन ने देखा है। प्रोसिक्यूशन के पास कोई और दलील कोई सबूत बाकी है? हाँ योर ऑनर है, लेकिन उसे पेश करने के लिए मैं एक छोटा सा ब्रेक चाहता हूँ सर। ओके, टाइम इज ग्रांटेड। जब भी ब्रेक लेता है कोई ना कोई कांड करता है, इसमें नजर रखनी पड़ेगी। यार मोहन प्यारे, ये कितनी बड़ी मुश्किल की बात है। जब तक मैं झूठ की जंग लड़ रहा था तब तक मेरे पास झूठे गवाह और झूठे सबूतों की लाइन लगी हुई थी, और आज जब मैं सच की लड़ाई लड़ रहा हूँ तो मैं कितना तन्हा और अकेला हो गया हूं। ओ मेरे भाई, अब अफसोस करने से क्या फायदा भाई, जिस तरह तूने विनोद कालरा को बचाकर पांगे को फंसा दिया, उसी तरह आदर्श ने आनंद के खून को खुदकुशी साबित करके उसकी बीवी को बच्चलन साबित कर दिया।
अरे भैया आजकल यही होता है सच की लड़ाई लड़ने वालों के साथ। हो सकता है आपने ये रिपोर्टर रजत का भी एक्सीडेंट ना हुआ हो बल्कि उसका मर्डर हुआ हो। I'm sorry. क्या हुआ? मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। बाद में कुछ नहीं बाद में। राज, ये कैसेट किसकी है? कैसेट? मौन तुरुक में आया। तारा तुम यहाँ क्या करने आयो? मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तो हट जाओ मेरे नजरों के सामने से। मैं बिल्कुल तुम्हारे सामने बुगी बुगी शो करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो अपना कैसेट लेने के लिए आया। कैसेट? कौन सा कैसेट? मैं अरे वही कैसेट जो दिन मैंने तुमको गिफ्ट के अंदर दिया था उसके अंदर आई थी। यही तो रहती थी उसे मैंने। चाचमी, निकलो मेरे घर से, निकलो। अच्छा, पहले तो हमेशा फोन करके पूछती थी कब आओगे। अब घर में आता तो बोलती कब जाओगे। तुम औरतों की अदा है ना, ऊपर वाला ही बचा है। देखो ये पूरा का पूरा कबाड़ मेरी ही गिफ्टों से भरा हुआ है। हाँ, इनमें से आधी चीजें भी मैंने अगर अपनी बीवी को दी होती ना तो जिंदगी भर मेरे गाल चूमती रहती। लेकिन नहीं, अरे सड़क के ऊपर से कभी गजरा भी नहीं लेकर दिया मैंने अपनी बीवी को। पता नहीं कहा ये क्या लव लेटर संभाल के रखे हुए। पेट भर भर के झूठ लिखा हुआ मैंने इसके अंदर। मैंने तुम्हारे जैसा बेशर्म आदमी नहीं देखा। अरे और देखोगे भी नहीं, मेरे लेवल का लोग बार बार पैदा होते हैं क्या? वैसे एक बात बताऊं, तुमसे प्यार तो बहुत हो गया था मुझे, शादी के चक्कर में भी मैं आ गया था, फिर बाद में मुझे हो जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरी बीवी बच्चा तुम्हारी सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरा क्या, मैं तो साला बेशरम आदमी। सुनो, पीछे के रास्ते से जाओ। अरे ओ वकील साहब, इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है? कोर्ट? अरे ए, वकील लाइन बदली क्या? अबे तेरे को नुक्कड़ पे पकड़ूंगा। ए स्टार्ट कर गाड़ी। ए वकील की दुम में धागा वो तुम दबा के भागा। वकील की दुम में धागा वो तुम दबा के। अरे वकील, अरे भाई भागने का काम चोर लोग का है, वकील लोग का नहीं यार। ये क्या लगा ला, खड़े रहना, बात सुनना यार। एक बात बताऊं, जब 10 आदमी मिलकर एक आदमी का पीछा कर रहे होते ना तो 10 को इकट्ठा रहना बड़ा जरूरी होता है, वरना क्या होता है मालूम है? मैं अकेला है। अकेले को बहुत मालूम है। ये मैं दिमाग की जगह हाथों की लड़ा रहा हूं। निकाल मेरी साइकिल। ए साइकिल पे आ गया। बेशरम। अरे थैंक यू। उफ, तुम लड़कियों की अदाएं, आखिर हम क्यों ना फंस जाएं? जल्दी चलो। योर ऑनर, ये अदालत है, कोई टीवी का गेम शो नहीं जहां हर वक्त ब्रेक लिया जाए। और कब तक आप राज मल्होत्रा को ब्रेक देते रहेंगे? मेरी अदालत से गुजारिश है, अब बिना इंतजार किए इस केस का फैसला सुनाया जाए। योर ऑनर, थैंक यू।
एडवोकेट राज मल्होत्रा का एक घंटा इंतजार करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अब उनके पास अदालत के सामने पेश करने के लिए कोई भी दलील या सबूत बाकी नहीं बचे। लिहाजा अदालत यह फैसला सुनाती है। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, इससे पहले कि अदालत किसी नतीजे पर पहुंचे मैं अपने पास मौजूद इस सबूत को आपके सामने पेश करना चाहता हूं सर। क्या है भाई? क्या कर दिया आपने? इसको मार डाला। मैंने तो डरा धमका के मकान खाली करने के लिए कहा था, आपने मर्डर कर दिया इसका। जोर से मार डालूंगा। इस तरह से मजलूमों को मारते हो तुम लोग? Well done. Thank you. Well done, Raj. पल तो पल का उजाला है झूठ का, पल तो पल का उजाला है झूठ का, अरे काला है जी काला मुंह काला है झूठ का, काला है जी काला मुंह काला है झूठ का। हाय मेरा बेटा। पापा कहाँ है? राज वाकई में क्या कर रहा है यार? यार पसीना पोंछ रहा था मैं। डिग्निटी नहीं है? डिग्निटी कैसे नहीं है, कमाल आदमी यार। अरे भाभी भाभी देख रहा हूँ आपकी भाभी आई हुई है, तो क्या नाचू? नाचना आता है? तुम अपनी लाइफ सुधारो पहले। अब इस तरह से मुस्कुरा के देखती रहोगी कि गले भी लगोगी मेरे। ऐसे गले लग रही है जैसे एहसान कर रही है मुझ पर। अच्छा अच्छा होश में रहो, होश में रहो, होश में रहो। कोर्ट कोर्ट और सुनो, खबरदार जो दोबारा घर छोड़ के जाने की कोशिश की, समझी तुम? अब एक बार शराफत हो गई होगी। होश होश करो, होश करो। कोर्ट है, कोर्ट है, कोर्ट है। अरे कौन कहता है मुंह काला है झूठ का, अरे कौन कहता है मुंह काला है झूठ का, कौन कहता है मुंह काला है झूठ का, कौन कहता है मुंह काला है झूठ का। ए सच है ये सच बोल बाला है झूठ का, अरे कौन कहता है मुंह काला है झूठ का, कौन कहता है मुंह काला है झूठ का। चाहे देखो दाएं चाहे देखो बाएं, चाहे देखो दाएं चाहे देखो बाएं, लोग यहाँ झूठ का डंका बजाएं, लोग यहाँ झूठ का डंका बजाएं।
चाहे देखो दाएं, चाहे देखो बाएं, चाहे देखो दाएं, चाहे देखो बाएं, लोग यहाँ झूठ का डंका बजाए। सच के होठों पे ताला है झूठ का, अरे कौन कहता है मुंह काला है झूठ का, कौन कहता है मुंह काला है झूठ का। झूठ बोलने से बात बन जाती है, अरे झूठ बोलने से बात बन जाती है, काम चल जाता है दाल गल जाती है, काम चल जाता है दाल गल जाती है। अरे झूठ बोलने से बात बन जाती है, काम चल जाता है दाल गल जाती है, काम चल जाता है दाल गल जाती है। तीखा बड़ा मिर्च मसाला है झूठ का,